सेलेक्ट हुए आईपीएस की लिस्ट देना। सर ये रही फाइल सर। हेलो, मैं ईश्वर चंद बोल रहा हूँ। हेलो, मैं मद्रास से वेंकटेश प्रसाद बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट अनु, पापा का फोन है। पापा है? कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, ये बताओ बच्चे कैसे? अंजू और प्रकाश अच्छे हैं, भाई के आने से रोज मस्ती करते हैं। मेरी बात सुनो, बस या ट्रेन जिसकी भी टिकट मिले जल्दी से जल्दी उसको यहाँ भेज दो। क्या बात करते हैं आप, पोस्टिंग मिलने के बाद भाई को छुट्टी मिले या नहीं पता नहीं, इसीलिए 2 महीने मेरे पास रखकर बाद में घर भेज दूंगी। ए, उसके वहाँ पर रहने से मुझे हर पल दिल में एक बेचैनी सी रहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये क्या पापा, भाई का छोटा बच्चा है, इतना कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा उसे फ्री रहने दीजिए। फोन उसको दो। आपके दामाद ने भाई को नई बाइक खरीद कर दी है, उसे लेकर वो बाहर घूमने गया है। क्या कहा, बाइक लेकर घूमने के लिए गया है वो? देखो कोई आ रहा है। रुके, आप यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से जाइए। रूट डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप शहर में नए हैं क्या? बड़े मणि के बेटे का जन्मदिन है, वहाँ से जाइए। एक अकेले आदमी के लिए रोड ब्लॉक कर रहे हैं। रोड ब्लॉक नहीं किया तो मणि जी शहर को ब्लॉक कर देंगे। जाइए, आप जाइए, यहाँ से जाइए। आइए सर, नमस्ते। नमस्ते 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 सर, एमएलए एमपी सब आकर पूरा पार्लियामेंट आकर बैठा है। कोट मणिकम के बेटे का बर्थडे है, सबको आना ही पड़ेगा। सब खाना खाकर जाना, खाना खाकर जाना। सब खाकर ही जाएंगे सर। ए छोटे मियां, तेरा बर्थडे तो पूरा शहर मना रहा है। थैंक यू डैडी, थैंक यू सर। हाँ, अपने शहर में बहुत बड़ी नीलामी है, आप जाएंगे तो कोई बोली नहीं लगाएगा। 10 बजे नीलामी है सर। ए, सबकी अच्छी तरह खातिरदारी करो, माय सन एंजॉय। ओके। क्या हो गया सर? फटाके फोड़ रहे थे, पाठशाला में आग लग गई। फायर ब्रिगेड वालों को क्यों नहीं बुलाया? फोन किया था, दोनों गाड़ियां कोर्ट मणि के घर चली गई, उससे कौन बहस करता, इसलिए हम ही बुझा रहे हैं। कोर्ट मणिकम का घर कहाँ है? सर सर, पास ही एक स्कूल में आग लग गई है सर। सर जल्दी से गाड़ी निकलवाने के लिए कहिए, बच्चों की जान खतरे में है सर। सर देर करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई, शहर में नए हो? कोर्ट मणिकम को बिना बोले गाड़ी निकाली तो हमारी जान जाएगी, बच्चों की जान चली जाएगी सर। सर हटा हटा सर, बात सुनिए सर। सर सुनिए तो सही। चलो, कौन है तो यहाँ आकर शोर क्यों मचा रहा है? पास ही स्कूल में आग लग गई है, फायर सर्विस को जल्दी से बुलवाई सर। क्या कहा, फायर सर्विस? 5 बजे फंक्शन खत्म होगा, उसके बाद आके ले जाना सर। तब तक तो कई बच्चों की जान चली जाएगी, मैं कोर्ट मणिकम जी से बात करूँ। ए, तू हमारे साहब से बात करेगा?
में पढ़ने वाले एक भी बच्चे को जरा सी भी खरोच आई तो कोर्ट मणिकम के बेटे को जिंदा जला दूंगा। फायर सर्विस से कहो जल्दी से स्कूल पहुंचे। चलो जल्दी से गाड़ियां निकालो जल्दी। घबराओ मत, फायर सर्विस आ रही है। टीचर बच्चों को संभालो आप, कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं। आप लोग सब उस तरफ जाओ, टीचर सब बच्चों को उधर ले जाओ। मेरा जन्मदिन। तुम्हारे पिताजी की शान के हिसाब से अगर एक कैंडल बुझाते तो कम होती, इसलिए देखो कितनी बड़ी आग बुझा रहे हैं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? छोटा कोट मणिकम। बच्चों अंकल को हैप्पी बर्थडे विश करो। चलता हूँ, बाय टाटा। थैंक यू। ये तुम कैसा काम करके आए हो? बस पापा, बस हो गया, अब बहुत हो गया, तुम वापस लौट जाओ। पापा ने कहा उन्हें ये सब पसंद नहीं, मैंने नहीं माना, उसी की सजा है ये क्या काम करके आया तू? तुम करके रखा है मुझे और पापा। क्या दीदी, तुम भी 100-150 बच्चों की आग से जान बचा कर आया हूँ, उसके लिए तुम्हें गर्व होना चाहिए और तुम गुस्सा कर रही हो। खुश हो जाओ दीदी। कैसे खुश हो सकती हूँ मैं, उम्र भर तुम्हारे इस काम से खुश होती रहूंगी क्या? क्यों दीदी भगा क्यों रही हो? देखो वहाँ कोई गड़बड़ नहीं करना, अच्छे से रहना। ड्राइवर क्या है? सुनो मेरे भाई को स्टेशन तक छोड़ाओ जरा। 200 रुपए लगेंगे। क्या बोला? किस बात के 200 रुपए? किस बात के? छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? और नहीं तो क्या करूँ? चुप रहो तुम। देखो जीजा जी, 200 ठीक है बाबा, 200 देती हूँ, लेकिन इसे स्टेशन छोड़ाओ जाओ। बहन जी पैसे नहीं चाहिए, आपको फ्री में ड्रॉप कर दूंगा। सर दीदी चलता हूँ, चलता हूँ जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हमेशा डर डर के जीते रहो। ए जल्दी चल बे। चलता हूँ दीदी, जा रहा हूँ। हाँ, जी हाँ, हाँ। जी जाना। ये क्या कर दिया तूने? अरे क्या करके आ गया तू? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें वहां भेजा तो वहां के बहुत बड़े गुंडे से पंगा करके परेशानी खड़ी कर दी तूने। तुम सबके शरीर अलग हैं लेकिन हरकतें एक जैसी हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कभी सुधरोगे, सबके सब नालायक। परम गुरु अपनी दीदी के गांव में जाके लफड़ा करके आया है। एज यूजुअल उसका बाप अपने लड़के को लेक्चर दे रहा है। तुम लोग उसको समझाते क्यों नहीं? क्यों नहीं समझाएंगे? छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन मत लीजिए अंकल। उम्र के साथ साथ बच्चों को लिबर्टी देना सीखे अंकल। मुंह बंद रखो अपना। मैंने उसे समझाने के लिए कहा तो मुझे ही समझाने लगे। हालत खराब कर दूंगा। क्या गुरु कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ भैया। उस तरफ से मत जाइए। क्यों? आपके पापा आपके दोस्तों को डांट रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, सारा गुस्सा उन पे निकल जाएगा तब जाइएगा। साइकोलॉजी पढ़ रही हो? वेरी गुड। ये गुरु तू अभी आया क्या? क्यों रे? रोज की तरह तेरे पापा ने फिर हमारी क्लास ले ली। ये तो कभी ब्रश नहीं करता, आज से शुरू किया था लेकिन तेरे पापा ने इसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन पता है तू कैसे बच गया? अपने पापा को कैसे पटाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो कहाँ? चलो। श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय हो। श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय हो। श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय हो। मैं आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। हे बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। गुरु मंदिर है, मंदिर है। आशीर्वाद दे दीजिए ना अंकल। पापा आशीर्वाद दे दीजिए ना। जीते रहो सब लोग। थैंक यू। ए गुरु मेरी बात सुन, तेरी भलाई के लिए मैं हमेशा भगवान के सामने प्रार्थना किया करता था। उनकी दया से और मेरी प्रार्थना से तुम आईपीएस में सेलेक्ट हो गए हो और 2-3 महीनों में तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओगे।
लेकिन उससे पहले ये लफड़ा करके तुम अपनी नौकरी को नुकसान न पहुंचा दो, इससे डरता हूँ। लेकिन पोस्टिंग होने तक यू कैन एंजॉय। मंदिर है, शांत हो जाओ। एक एक दिन ये जिंदगानी के कितने हैं सुंदर, कितने हैं प्यारे, जिएंगे हंस के मिलेंगी खुशियाँ, मिलेंगी इसमें रंगी नजारे, उसके बिन रहना कुछ कहना है मुश्किल, प्यार का मेरे वो रास्ता वही मंजिल, खुशी से नाचो गाऊं तेरे संग में मैं। एक एक दिन ये जिंदगानी के कितने हैं सुंदर, कितने हैं प्यारे, अब आ जा यहाँ, राहों में फूल बिछाए, दिल में उसको समाए, बारिश फूल की उस पे जो की, एक लड़की मेरे दिल के अंदर कोयल की तरह समा के उसने मेरी सांसें दिल को थामी, उसके रूप को देख के मैं पागल हो गया, देख के उसको मैं तो यारो सब कुछ भूल गया, मैं तो मस्ती में नाचूंगा गाऊंगा, उसको देखे बिन अब रहना पाऊंगा, देख के उसको थम जाती मेरी सांसें। एक एक दिन ये जिंदगानी के कितने हैं सुंदर, कितने हैं प्यारे, तोड़े जब फूल तो चुभते काटे, खुशियों में नाच रहे हम सपनों के बगिया में, हम उसके लिए अब दुख भी सहे, मेरी किस्मत मिली है मुझको खुशियाँ लिए हजार, उसकी आंखों में देखूंगा एक दिन अपना प्यार, शादी वाली साड़ी पहन कर जब वो आएगी, पैंट शर्ट मैं पहन के बन जाऊंगा साधु, दिल मेरा चहके खुशियों से और गम से, हो गई मुझको मोहब्बत सनम से, बन गई सारी दुनिया मेरी साक्षी, उसके बिन अब नहीं जीना, घुट घुट के अब नहीं रहना, वो ही है तेरी जाने जा, वो ही है तेरी जाने जा, उसके बिन अब नहीं जीना, घुट घुट के अब नहीं रहना, वो ही है तेरी जाने जा, वो ही है तेरी जाने जा। ₹50 खर्च करके बिस्किट लाई हूँ, कम से कम 50 तोला तो कमाना ही होगा। आह, लगता है थिएटर एकदम फुल है, किसी ना किसी को तो फंसाना ही होगा। इसको धक्का क्यों मार रहे हो? मिस्टर, कैसे गाड़ी चलाते हो, दिखाई नहीं देता। सुनो, सड़क के बीच में गाड़ी पार्क करोगी, तुम्हें अकल नहीं है क्या? जो चीज है ही नहीं उसके बारे में पूछ क्यों रहा है? Nonsense. Stupid.
ठीक है इंट्रोडक्शन हो गया, फिल्म देखने चल, गाड़ी चला। दिव्या बहुत ज्यादा चोट लगी है। नहीं राज, तेल से मालिश करो, जहाँ भी चोट आई होगी ठीक हो जाएगा। एक तो धक्का देते ऊपर से। नहीं मैडम, ये तो आपकी खूबसूरती के लिए दवा है। नॉनसेंस, कितना बदतमीज है, इडियट। यहाँ तो इतनी लंबी लाइन लगी है, टिकट मिल गई क्या? तेरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, टिकट तो क्या सुपर फिगर वाली मिल जाएगी यार, चिंता मत कर। ऐसा क्या? दिव्या भूख लगी है, बिस्किट खाते हैं। ये सब थके हुए हैं यार। एक्सक्यूज मी, दो टिकट ले देंगी क्या? एक्सीडेंट वाली है यार। देखो, अगर मुझसे टिकट मांगी ना तो लड़की को छेड़ रहे थे ऐसा कहकर पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ओ कंप्लेंट कर, करना देखता हूं। ये केस कर देगी यार, दूसरी को पकड़ते हैं, चल फट। भृंगराज चल, भूलना नहीं। आहा क्यों बेटी, गले में कुछ हार वार क्यों नहीं पहना? बगैर प्रॉब्लम की पार्टी मिल गई है, अब टिकट आसानी से मिल जाएगी। मौसी, मौसी 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 मौसी, मैं मुझे मौसी? नहीं पहचाना मौसी, हम सब वेलूर में साथ रहते थे। मैं तो वेलूर की लेडीज जेल में थी, ये मुझे कैसे पहचान सकता है? चलो अभी खुद ही मरना चाहता तो मैं क्या करूँ। तू तो अपने पड़ोस के चाचा के पोते हो ना, कैसे हो बेटे? कैसे हो? मौसी बेटा है। तो ठीक है ना? क्यों मौसी, इंग्लिश फिल्म देखने आई हो? वो क्या है ना, मुझे चैन बहुत पसंद है ना। चैन? चैन, जैकी चैन। ओ जैकी चैन, मैं उस चपटे नाक वाले पर जान छिड़कती हूँ, कैसे बिना सीढ़ी के किसे दीवार पर चढ़ता है, उतरता है, कूदता है। बहुत ही बदमाश बंदर है वो। अरे वही तो। मौसी हमारी भी दो टिकट निकाल के दो ना। क्यों नहीं ला के दूंगी, आज तो मेरी पहली बोली तुम ही से है, चला। ठीक है, थोड़ी देर कंधे पे रख देता हूँ। तुम यहाँ फिल्म देखने आए हो या हम सबके साथ झगड़ा करने के लिए आए हो? हम समझौते के लिए पैक कर लेते हैं। क्या? इंटरवल तक तुम मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखना, इंटरवल के बाद मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखूंगा। You are kill you. तू यहाँ बैठ, तू आराम से बैठ, मैं इसे देखती हूँ। तू मेरी सीट पर बैठ। अरे बैठ, मैं वहाँ क्यों बैठूं? मौसी को बिठाता हूँ ना, आइए मौसी बैठिए। एक मिनट यार, मौसी बिस्किट खाइए। हेलो हेलो, पिक्चर खत्म हो गई, चलिए उठिए। हेलो मैडम। ओह माय गॉड, मेरी ज्वेलरी गायब है, मेरी चेन गायब है। हाँ हाँ, लगता है फिर से बिस्किट वाली ने तुम्हारे गहने चुरा लिए हैं। कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे चलने यार। अरे क्या है? अरे क्या क्या बोलता है ये पेपर पर? पढ़ना ध्यान से, पढ़ देख क्या लिखा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो बहुत बुरी बात हो गई, हम उस बिस्किट वाली के गैंग के मेंबर है ऐसा लिखा है। अरे हम सब लोग जिगरी दोस्त हैं ना, क्या शक है यार, तो लूट के माल में हमें भी हिस्सा दो। हिस्सा चाहिए? आओ, सबको अपना अपना हिस्सा मिलना ही चाहिए। एक तो अनजान लड़की ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया है, दूसरा तू उसे कंफर्म करेगा। तुझे ना बिल्कुल भी अकल नहीं है, ओवर एक्टिंग करके उस औरत को मौसी बना लिया और नतीजा देखा, न्यूज़पेपर वालों ने हमें चोर बना दिया। वो क्या है ना, चुप रहे। अपन लोग थिएटर में मिले थे ना, याद है तुमको? ए, चुपचाप ये जगह खाली कर दे, चलो उठ। उठ जा रे, भाग ले। अरे चल जल्दी से भाग ले यार। क्या हुआ? उधर देख यार, भृंगराज तेल वाली आ गई। ए अब बैठना यार, बैठ यार, सुन ना, कुछ खाना हो, मैं क्या बोल रहा था कि व्हाट डू यू वांट? चाइनीज इज बोरिंग। अरे कहां जाएगा? अरे छोड़ो बैठना यार, बैठ जा, बैठ जा, छोड़ो यार। अरे You rascals!
हेलो रॉन्ग नंबर गेट अप ए तुझसे कह रही है यू आल्सो गेट अप यस चोर कहीं के तुमने चोर किसको कहा एक बूढ़ी औरत के साथ मिलकर चोरी करते हो चोर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ तुम्हें वो तो हमने टिकट के लिए तुमसे क्या बात करना पुलिस को बुला तो बुलाना बात करती है पुलिस को बुलाने जा रहे हैं यार चल 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 मुझे बताते हो इसे तो मैं ठीक करूंगी पुलिस के पास जाएगी पुलिस के पास जाएगी गले लगा लिया अरे मौका देकर गले लगा किससे पंगा ले रही हो ये आईपीएस ऑफिसर पता है क्या खंतू मैंने ये है आईपीएस का बहाना बताकर बचना चाहती हो मैंने कहा इससे बात क्यों कर रहा है अपना आई कार्ड दिखाना अभी नहीं ये लीजिए मैडम आई कार्ड वी परम गुरु आईपीएस आईडी कार्ड प्लीज जानते हो मैं कौन हूँ जानते हो बोलोगे तो पता चलेगा लॉ कॉलेज स्टूडेंट काम से पूरे फंस गया यार चुप है डर मत इस कार्ड से मैं डर जाऊंगी क्या ऐसा तो क्या है इस कार्ड में मेरे भविष्य का सवाल है प्लीज आईपीएस की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है तो क्या पोस्टिंग होने तक चोरी करोगे लॉ के बारे में कुछ जानते हो या नहीं नहीं जानते बताओ सेक्शन 293 सी क्या कहता है मुझसे तो कुछ नहीं कहा यार तूने कार्ड इसे देके मेरी नौकरी खतरे में डाल दी है ये फोटो देख कर मुझे लगा कि तुम हे लुक क्या है अगर एक भी पुलिस केस तुम्हारे खिलाफ रजिस्टर हुआ तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी जानते हो ना हाँ काले कोट वाले ने पुलिस वाले को घेर लिया है मेरे जन्मदिन के पहले मेरी सारी ज्वेलरी देकर अपना ये कार्ड ले जाना फिर तो साल भर की चिंता मिट गई नाना अगले हफ्ते है मेरा बर्थडे नेक्स्ट कीप ऑन काउंटिंग योर डेज हेलो हेलो आजकल के चोर काफी स्मार्ट दिखते हैं ना सिर्फ गहना ही नहीं लगता है उसने तेरा दिल भी चुरा लिया हाँ, केयरफुल तो हमें ही रहना होगा क्यों सही कहा अरे 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 क्या हुआ पापा यही है वो जिसने हमारे गहने चुराए थे अरे उससे मैंने ही यहाँ बुलवाया है ये क्या कह रहे हैं आप क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं सब जानता हूँ शहर में चोरी होते ही मुझे पता चल जाता है चोरी का माल खरीदने वाले कुछ खास लोग हैं उनको मैंने पहले से ही बोला था चोर पकड़ में आ गया है सेठ चोर के साथ आया है अच्छा कहाँ है आपका पार्टनर पार्टनर सोलो परफॉर्मेंस ओनली अकेली हूँ तो फिर मौसी कहकर जो आपके साथ आए थे वो कौन थे उन्होंने तो सिनेमा टिकट के लिए मुझसे रिश्ता बनाया था फिल्म खत्म होते ही उठ के चले गए उनका और मेरा कोई संबंध नहीं है हे सेठ गहने लाओ देख लो सब ठीक है ना अच्छा जी मैं चलती हूँ राम राम ए, बिस्किट इतनी जल्दी कहाँ भाग रही है जो चीज मल्टीप्लेक्स में नहीं कमाई उसे देवी थिएटर में कमाने जा रही हूँ वकील की बेटी पर हाथ नहीं डालना चाहिए कितना सवाल करता है गहने मिलने पर खुश ना होकर उदास क्यों हो नहीं रे आईपीएस की पढ़ाई करने वाले को मैंने चोर समझ लिया फौरन उसका आईडी कार्ड लौटा कर सॉरी कह दूंगी उससे इस बार पूरे स्टेट में फर्स्ट आना ऑल द बेस्ट थैंक यू भैया बाय बाय बच के भागना चाहते हो नो मेरे गहने कहाँ हैं वो अरे क्या कर रही है मुझे सिर्फ तीन चीजों से नफरत है चोरी करना झूठ बोलना और कुछ लेकर भूल जाना कुछ ज्यादा ही ज्यादा है ना मुझे पसंद है न्याय ईमानदारी नीति और सत्य तुम्हें देखकर बुरा लग रहा है एक हफ्ता दे रही हूँ तुम्हें मेरे गहने लेकर आ जाना वरना जेल पहुंचा दूंगी दिव्या ये क्या सॉरी कहने के बदले और धमका रही थी उसे सब कुछ टीजिंग से शुरू होकर लव पर खत्म होता है यहाँ लव से शुरू होकर टीजिंग चल रहा है वेट एंड सी वो बिस्किट वाली कहाँ चली गई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है मैं भी यहाँ वहाँ सब जगह देख चुका हूँ कहीं भी मुझे नहीं दिखी उसे मेरे हाथ लगने तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा वहाँ देख यार वही औरत है फिर से किसी को टोपी पहना रही है यार क्यों बेटी अकेली आई हो या टूर के साथ आई हो हाँ, अकेली हूँ तो एक बिस्किट खा लो ए, ए, अरे रुक रुक ऐसी औरतों से अकेले में डील करना चाहिए हम दोनों मिलकर उसे दबोच लेंगे अचानक दबोच लेंगे पकड़ो पकड़ो उसे अरे पकड़ो आओ 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 पकड़ो पकड़ो
हैंड्स अप। आहा, ये हैंड्स अप के दो शब्द तो मुझे पता ही नहीं थे यार। अगर पता होता, अरे पता होता तो इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागकर पैर को तकलीफ क्यों देता यार। छोड़ वो सब। ए बुढ़िया, क्या है? पहले वो गहने निकाल। कहाँ से निकालू? अरे तुम भी ना, उस लड़की का बाप बड़ा क्रिमिनल लॉयर है, सब चोरी का माल खरीदने वाले को जानता है। दूसरे ही दिन मुझे पकड़ कर सारे गहने ले गया। क्या? दूसरे दिन गहने लेकर चले गए? हाँ हाँ, पता है उसमें सबसे खास क्या था? मछली वाली का 4 तोले का हार भी मुझसे छीन कर ले गया। छोड़े? हाँ। ए, हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। गहने मिलने के बाद भी वो हमें तंग करती है। हेलो, हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ, दिव्या का फोन है यार। हाँ हेलो मैडम। टाइम दिए हुए आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। आज अगर मेरी चेन वापस नहीं मिली हाँ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। यहाँ सिग्नल जरा वीक है मैडम, जरा जोर से बोलेंगी। सिग्नल नहीं है, चेन नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये तो उसी बात पर अड़ी हुई है, उसे वहीं रुकने के लिए बोल। हेलो मैडम, जल्दी से फैशन टेक्नोलॉजी के पास पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अगर जरा भी देर हो गई तो तुम मुझे जिंदा नहीं देख पाओगे। मैडम, आप जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, हम पहुंच रहे हैं। ये सब क्या है? मेरे गहने लाए हो? नहीं। जानती थी तुम कैसे वापस करोगे, चोर चोर कहीं के। उस चेन के बगैर मैं नहीं जी सकती, इसीलिए मरने के इरादे से ये पॉइजन की बोतल लाई हूँ। तुम लोग चुप रहो। अरे मुझे क्यों ले जा रहा है? मैं मरने के बाद भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम्हें जिम्मेदार ठहरा कर तुम्हारे IPS कार्ड को रख कर पुलिस में कम्प्लेन करूंगी और तुम्हें जेल भिजवा कर ही मरूंगी। अब इसकी जमीन कौन देगा? वहाँ से चलते। बोलो तो फिर, बोलो। Hey, जब देखो तब गले ही लगती है। चोर, कमीना, रास्कल, ये सब कहकर टॉर्चर किया ना? क्यों किया ये सब? इसके लिए। अरे बाप रे, तुम्हारे लव स्टोरी के लिए मुझे बकरा बना दिया क्या? तू इसको सपोर्ट करता है तुझे तो मैं। क्यों झूठा जाने जा, मर्द है कैसा तू बेवफा, मुझसे तू क्यों है पलट गया। मुझको झूठा समझी, मैं तुझको दूंगा उड़ा। तू बड़ा चालू चालू नजरों से फंसा रहा। तू बड़ी झूठी या सच्ची, मैं कैसे मानूं? प्यार तुझको दिल से मैंने तुझ पे न्योछावर है जान। धड़क धड़क दिल धड़का, क्या तेरा भी धड़का है। ए लड़की तेरे दिल में क्या, मुझको ये बता। मेरे लिए कुछ होता है मुझको ये समझा। मेरे दिल में है तू ही तू, जब से तुझे देखा है।
मुझको तू ये बता, तू मुझको झूठा समझी, मैं तुझको दूंगा उड़ा। दुश्मन दुश्मन वनीला वनीला सी मैं जवाब खिल गए, मैं तो जाने जा। मेरा रूप ये कितना सोना, समझे क्यों झूठा जाने जा। तू बड़ा चालू चालू नजरों से फंसा रहा, तू बड़ी झूठी या सच्ची, मैं कैसे मानूं। आइए दामाद जी, आओ बेटे। लो, पापा के साथ रहना चाहती थी ना, हम मजे से रहो। सर, आपने नौकरी दी है, मैं मना नहीं कर रहा। गांव में अच्छी नौकरी मिली है सर, कल ही सर्टिफिकेट देकर ड्यूटी ज्वाइन करनी है सर, नहीं तो मेरी लाइफ ही खराब हो जाएगी सर। मेरा सर्टिफिकेट लौटा दीजिए सर। सर्टिफिकेट चाहिए तुझे? अच्छा, 1,00,000 रुपए दे और सर्टिफिकेट ले जा। सर, 1,00,000 रुपए? 1,00,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा सर? सर, सब कुछ बेच कर मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया सर, मेरी दौलत और सर्टिफिकेट ही है सर। भगवान के लिए मुझे सर्टिफिकेट लौटा दीजिए सर। सर, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा सर। पहले पैर पकड़ के नौकरी मांगोगे, बाद में सरकारी नौकरी मिलने पर टाटा कह के चले जाओगे, हम यहाँ पे दांत मलते रह जाएंगे। ए, चुपचाप 1,00,000 रुपए ला के दो, नहीं तो यहाँ से फूट जाओ। लफड़ा करोगे तो सर्टिफिकेट जला दूंगा मैं। सर, भगवान के लिए सर्टिफिकेट मत जलाइए सर। सर, मेरा सर्टिफिकेट लौटा दीजिए सर। सर सर, प्लीज सर। कौन है वो जो सर्टिफिकेट देने से मना कर रहा है? वो सामने खड़ा है ना। Thank you.
निकाल सर्टिफिकेट, निकाल। हे, छोड़ो उसे। गुरु, क्यों पब्लिक प्लेस में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? इसने इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए अपने सर्टिफिकेट को पाने के लिए भीख मांग रहा था ये, लेकिन इसने इसे मारा। मेरे मारने पर ही इसने इसे सर्टिफिकेट दिया है। हे, इन सब लफड़ों से दूर रहो। कितनी बार समझाया लेकिन तुम मेरी बात समझते ही नहीं। मैं समझ गया पा, आप ही नहीं समझे। आप लोग इन लोगों से डरते हैं, इसीलिए आप लोगों को डराते हैं। छोड़ दो, दूर रहो। ये सब कहने से अच्छा अगर आप ये कहते कि अपने हिसाब से देख लो, तो मैं वादा करता हूँ यही आदमी हमारे घर सर्टिफिकेट ला कर देता। आए, तूने अनजाने में गुंडे से टक्कर ली है, अब तुझे मुझसे ही होगा खतरा। ए, तू गुंडा है, तू पढ़ा लिखा नहीं बन सकता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कभी भी गुंडा बन सकता हूँ। मेरी बात याद रखना। हे गुरु, चल। हे, लेके जाओ। भाई, यही आपके लिए जगह। जी, 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 जी। ये कैसी जगह पर लेकर आ गया तू? अरे, बगीचे में रहने वाले इंसान को गटर के बाजू में लाकर खड़ा कर दिया तूने। हैं? गुरु, अपने मामी के घर पे कोई कोई लड़की आई है क्या? लड़की नहीं, कोई गुंडा है, एक मार्क छाप वाला, हट्टा कट्टा, लगता है बेल पे छूट के आया है। बेल पर? ए, उसे तो ये पता भी नहीं होगा कि यहाँ बड़े बड़े गुंडों का इलाज होता है। अरे रे 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 रे, हो, सुबह आरती और शाम को हनुमान चालीसा रोज भजन करके मेरा दिमाग खराब करते हैं। बंद करवाओ ये शोर शराबा। कैसे हो वीट रामा स्वामी? अब मैं तुझे नाम से बुला रहा हूं तो तू चौंक क्यों रहा है? देख भाई, ट्रीची पे तेरा राज चलता है तो चेन्नई में मेरा राज चलता है, सही कहा ना? हाँ भाई। तेरे पर 18 खून के इल्जाम है तो मेरे पर 28 खून के इल्जाम है। तू टाटा वाला, मैं पोटा वाला, और वैसे भी पोटा वाला टाटा से ऊपर होता है। मैं यहाँ बड़े भाई के कहने पे आया हूँ, इसमें 10 लाख रुपए हैं। क्या 10 लाख? किसी वीआईपी को उड़वाना है क्या? भाई भाई भाई, तू तो कई दिनों से उड़ाने की बात कर रहा है, हाथ में तो खुजली हो रही है, उड़ाते हैं क्या? हेलो रामास्वामी, त्रिची से कंडीशनल बेल पर तुम्हें बाहर निकाला है उस राजपुरम को सबक सिखाने के लिए। वो बहुत बकबक करता है, उसे मार डालो। आप बोलो या न बोलो, मरना तो पड़ेगा इसको। जाओ, भागने ना पाए। नहीं रामा सुबह, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मारना नहीं भाई। आइंदा से मैं आपका नाम नहीं लूंगा और ना ही आपके इलाके में दिखूंगा मैं। भाई भाई, मुझे माफ कर दो भाई, भाई नहीं, भाई भाई मुझे माफ कर दो। सुपड़ा
जल्दी अंदर चलो, आओ। क्या हुआ, गली एकदम सुनसान क्यों है? अरे अंदर आ जाओ, पहले अंदर चलो ना तुम। चलो दीदी, ये तो सिंधु की आवाज है ना? कुछ मत पूछो तुम। बेड़ पर छूटे हुए उस गुंडे ने एक आदमी को सबके सामने मार डाला, पूरी गली डरी हुई है। सिंधु ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा, इसीलिए वो डर गई है। तू अंदर चल, ए छोड़, चल अंदर। तुम अंदर जाओ, मैं सिंधु को देखकर आता हूँ। सिंधु, 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 मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है साहब जी, अगर मैं उसके हाथ लग गया। ए, ए, रुकना रुकना, ए, मेरी बात सुन गुरु। ए, जो मारा गया वो मैड्रास का बहुत बड़ा गुंडा था, उनका आपस में कोई लफड़ा होगा यार। डॉक्टर ने कहा है ये ठीक हो जाएगी, तू क्यों लफड़े में पड़ता है? छोड़, जाने देना यार, मेरी बात मान ले। भाई कीमा, भेजा फ्राई, पाया सूप, मटन चॉप्स, ये सब बहुत बड़े ईरानी होटल से मंगाया है। अरे बस कर, हाँ बस कर, ईरानी होटल कहने से क्या होता है, स्वाद भी तो होना चाहिए। हींग की बदबू आती रहती है यहाँ पर। खाली कर दो, मेहरबानी करके खाली कर दो। देखो तो बड़े पुजारी जी क्या कह रहे हैं, किसको खाली करना है? शिव शिव, शिव जी को। तोबा तोबा, उसका नाम तो बताइए। इस गली में तो पूरी गली खाली करवा दूं क्या? भाई गली में सब आपसे डरते हैं, औरतें बाहर आने से डरती है, मेहरबानी कीजिए घर खाली कर दीजिए। ए, मुझे ये घर वर खाली करने की आदत नहीं है, आदमी खाली करने की आदत है। चल जा रहे, जा रहे, जा रहे, किसको बोला रे तू? ये क्या बात हुई? मेरे घर में रहकर मुझसे जबान लड़ाएगा तू? अरे रामस्वामी, तू क्या करेगा रे? लोग सुबह सुबह मेरे पास मार खाने के लिए मुझे नहीं जानते। ये क्या हो गया है भगवान? तुम्हारा कभी मेरे सामने घर खाली करने की बात की ना, समझ ले सबको मारकर पूरा एरिया ही खाली कर दूंगा। कहाँ पर है? ए, डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं हुआ ना? कैसी हैं ये? देखा हमारी हालत देख रहे हो? मामी को मार के बिस्तर पकड़वा दिया, बिना किसी को पूछे उस विक्टर रामस्वामी को घर भाड़े पर दिया, उसका नतीजा तुम्हारे कारण बच्चे डरकर बाहर नहीं आते, इसलिए तुम घर खाली कर दो, इतना ही कहा था मैंने उसे। उसने जवाब दिया कि मैं घर नहीं एरिया खाली करता हूँ, और कहकर कहकर मुझे मारा। आप धीरज रखिए, आपके हॉस्पिटल से घर आने से पहले वो वहां नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ए, गुरु रुक जा, छोड़ रहे। रामास्वामी बाहर निकल। छोड़ो दीदी, इनको सबक सिखाना है। मेरी बात सुन, छोड़ दे उसे, प्लीज चल यहाँ से। दीदी तुम घर जाओ। गुरु, मैं कह रहा हूँ ना घर जाओ। गुरु मेरी बात सुन, चलो यहाँ से। कहाँ है तेरा रामास्वामी? गुरु, ए, आजकल गुंडा गर्दी करता है, छोड़ दीदी। गुरु, मार डालूंगा मैं। गुरु मेरी बात मान, चुप रहो दीदी। वो क्या समझता है अपने आप को? तुम घर जाओ, मेरे बीच में मत आओ। तुम घर जाओ कह रहा हूँ दीदी। आज उसने बूढ़े मामा मामी को मारा है, उसे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो किसी को भी मारेगा, क्या उसे कोई रोकने वाला नहीं है? गुरु देखो दीदी, अपनी तरफ अगर कोई हाथ उठाए तो उसके हाथों को कुचल देना चाहिए, काट देना चाहिए। अरे तू तो ये सब देखकर भी चुपचाप बैठ जाऊं, ऐसा डरपोक नहीं हूं। आने दो,
एक एक को सबक सिखाऊंगा। आओ रे। हाँ सबक सिखाओ, जाओ जाओ ना, छोड़ो। मान लिया कि तुम हीरो हो, लेकिन जब भी तुम हीरो बनने की कोशिश करते हो, पापा को अपनी मान मर्यादा खोनी पड़ती है। क्या तुम जानती हो इस बात को? ये क्या कह रही हो दीदी? हाँ, उस दिन कृष्णा का सर्टिफिकेट नहीं देने वाले कॉन्ट्रैक्टर को मारा था ना तुमने, तब पापा ने तुम्हें समझा कर वापस भेजने तक की बात तुम जानते हो। उसके बाद पता है क्या हुआ था? अगर सब लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसा क्या? तो तुम अपने बेटे को मेरे पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए कहो? अपने बेटे की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, माफ कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे गुंडों के सामने पापा कसर झुकाना चाहते हो तो जाओ, जो जी मैं करो जाओ। क्या हुआ रे तुझे? तू उदास क्यों? पापा, अरे ए, क्या हुआ बता तो। आप उस मवाली के पैर क्यों पड़े? हाँ, एक बार मुझसे कहा होता तो मैं पैर पकड़ के उससे माफी मांग लेता। तू इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बनने वाला है, तू उस मवाली के पैर पड़ेगा? सुन, तेरे लिए तेरा बाप कोई भी अपमान सह सकता है। पापा नहीं, पापा आगे ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। पापा मैं कसम खा के कहता हूं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कौन है वो? वो रहा, वो है। क्यों मैडम, एरिया में नहीं हो क्या? जानना जरूरी है, जानकारी रखनी चाहिए। हे भगवान। हाँ ये लो, सब लोग लाइन में आओ, सबको पानी मिलेगा, चिंता मत करना। हाँ ये लो। हाँ अगला कौन है? ए, वो मटका देना। क्या तू है? गुंडा है तू? ऊपर आके चिल्ला रहा था ना, है? मुझे सबक सिखाएगा? अरे रे 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 रे। ले तेरे सामने आ गया, सिखा। अब सिखा सबक, सिखा। मारना।
हे गुरु, क्या हुआ? क्या किया तूने? भैया क्या हुआ बोल। भैया रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, माफ कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए इसे, जाने दीजिए, मैं पैर पड़ती हूँ। क्या हुआ गुरु, क्या किया तूने बोलना? भैया भैया ये आपके मामले में कभी दखल नहीं देगा, इसे जाने दीजिए गुरु, चल रहे यहाँ से, हमें जाने दीजिए भैया, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, चल 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 यहाँ से। ए, मैं हूँ रामा स्वामी, काट कर रख दूंगा। तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं आया हूं, गर्व महसूस कर रहा हूं मैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। देखो, मारने से ज्यादा ताकत मार खाने के लिए चाहिए। आप इससे बाहर जाकर क्रोध करने की बजाय शांति से समझौता करना अकलमंदी है। आज तक गुस्सा और जोश देखता आया हूं तुम्हारे अंदर, आज पहली बार तुम्हारी अकलमंदी और समझदारी देखी है। जब इंसान के अंदर हिम्मत के साथ साथ उसकी अकलमंदी भी होती है ना, तो वह जिंदगी की हर जंग को जीत सकता है। तुम जीतोगे, सिर्फ पुलिस वाले बनकर नहीं। पापा पापा, ये सब क्यों कह रहे हैं? बहुत दर्द हो रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूं। आपका ये बेटा आपके लिए कोई भी दर्द सहन कर सकता है, ये आप जान गए हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी पापा। नहीं, I'm sorry, Papa. माननीय पुलिस कमिश्नर साहब, मैं अंजेनिया कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ कंडीशनल बेल पर छूटा हुआ विट रामास्वामी आकर रह रहा है। उसके यहाँ आने से हमारे कॉलोनी की शांति भंग हो चुकी है। वो बूढ़ों को मारता पीटता है, उसके खिलाफ जाने वालों की हालत खराब कर देता है। गली में औरतें बाहर आने से डरती हैं, उसके और उसके आदमियों की नज़र ठीक नहीं है, इसीलिए उसकी बेल को कैंसिल करके उसे फिर से जेल भेजने की विनती करती हूँ। आपके विश्वास हो। मेरे खिलाफ पिटीशन किसने भेजी है रे? पता नहीं साहब। नहीं पता? इस एरिया में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन कौन है? सबको मेरे सामने लेकर आओ। रुक जाओ, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो मार डालूंगा। तुम्हारे साथ बड़ी लड़कियां पढ़ती हैं क्या? हाँ पढ़ती है, विद्या दीदी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। विद्या? कौन है ये विद्या? क्या सच है? पापा विश्वास कीजिए। चुप कर। मैंने नहीं लिखा, विश्वास कीजिए माँ, विश्वास कीजिए। तो फिर किसने लिखा ये? तूने नहीं तो स्कूल के किताब में किसने लिखा? पता वो कितना बड़ा गुंडा है, पब्लिक के सामने 10 लोगों को मारा। पता है कितना मारा उसने अपने परम गुरु को भी, और तू उसके बारे में लिखते? पापा सच कह रही हूँ, नहीं लिखा है मैंने। ऐसा काम क्यों किया तूने? माँ मेरा विश्वास कीजिए, मैं क्यों लिखूंगी, सच मैंने नहीं लिखा। आपकी झूठी कसम खाती है हमारे यहाँ। माँ
अब वो अगर यहाँ है तो मामला बढ़ सकता है। हम वहाँ जाके हाथ पैर पड़ते हैं, उससे माफी मांगते हैं। मेरी बात मानो, बेबी मेहरबानी करके मेरी बात मानो, चुप रहो और चलो मेरे साथ, मेहरबानी करो। चलो पापा, मुझे चलना होगा मेरी। अरे चलो ना, मुझे नहीं लग रहा है पापा, मुझे मत ले जाइए। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे चलना ही होगा। नहीं पापा, हो सब ठीक हो जाएगा। साहब मेरी बेटी ने आने जाने में वो लिखा, उसे माफ कर दीजिए भैया। उसकी तरफ से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। माफी मांग रही हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उसे छोड़ दिया, हम लोग तो जाने दो। क्यों रे, तूने ही कंप्लेंट लिखवाई थी ना? तेरी एक की औरतें महफूज नहीं है, यही लिखा था ना तूने? यही लिखा था ना? बोल। मैंने किसी का हाथ पकड़ा था, किसी की साड़ी खींची थी या किसी की इज्जत लूटी थी? हाँ बोल। अरे बोलना, बोलती क्यों नहीं? मैं गलती करके भी कभी जेल नहीं जाता, तो कुछ किया ही नहीं तो जेल क्यों जाऊंगा? हाँ कितनी पिटीशन देखी है मैंने, अब देखता हूँ कौन तुझे आकर बचाता है। कहे का भाई, कहे का भाई, अरे कहे का भाई, तुझे क्या लगता है ऐसे चिल्लाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? मुझे बचा लीजिए भैया, भैया। hey, पकड़ कर लाओ उसे यहाँ। भैया नहीं, भैया कुछ तो बोलिए भैया, मुझे बचाइए ना भैया, प्लीज बोलिए ना भैया, भैया मुझे बचा लीजिए भैया, भैया। Oh!
आदमी को मार रहे हो, इनको हॉस्पिटल ले चलो, इसको पुलिस स्टेशन ले चलो, चलो। सर, गलती उसने की है, तो इसको क्यों पकड़ रहे हो? जो कहना पुलिस स्टेशन आके कहो। आप इसे नहीं ले जा सकते। चलो, सर। छोड़ दीजिए सर। चलो सब लोग। गुंडों की जगह एक एक असिस्टेंट कमिश्नर। रो क्यों रही हो? I'm sorry. मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। उस पिटीशन को लिखने वाली मैं ही हूँ। क्या वो पिटीशन तुमने लिखी थी? हाँ, उस दिन गुंडों ने तुम्हें मारा, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए बिना नाम की पिटीशन की उसके खिलाफ। उसे अरेस्ट करने के बदले में पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। तुमने बिना नाम की पिटीशन डाल के गलती की। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना नाम लिख देती। आगे से पिटीशन डालनी हो तो मिसेस परम गुरु के नाम से डालना। बाकी मैं देख लूंगा। चलो हटो। अरे रे 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 रे। पार्क में, बीच पर, थिएटर में, ये सब छोड़कर लॉकअप में लव अफेयर चल रहा है। इंस्पेक्टर, माइंड योर वर्ड्स, मैं कोर्ट के ऑर्डर लेकर आई हूँ, पहले इन्हें रिलीज कीजिए। एडवोकेट सर। ये लो दस्तखत लेकर उसे छोड़ दो, चले आते हैं। है? ये कौन है? एक तो पहले ही मार खाकर अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुआ, ये दूसरा आ गया क्या मार खाने? परम गुरु कौन है? उससे बड़े भाई मिलना चाहते हैं। मिल लिए ना, अब जाओ। तुम्हारे केस के बारे में बात करनी है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया। क्यों, यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे यार ऐसे ही पूछ रहा हूँ, घूर क्यों रहा है? पूरे शहर के लिए मैं बड़ा भाई हूँ, लेकिन आपके लिए तो छोटा ही हूँ। साहब जी, यही है परम गुरु। परम गुरु। दिखने में तो बड़े सीधे साधे दिखते हो तुम, पर 10-15 गुंडों की तो धुलाई की है तुमने। उनको छोड़ो, उस विट्ट रामस्वामी को, इतने बड़े गुंडे के हाथ पैर तोड़कर उसे अस्पताल भेज दिया। तूने यकीन नहीं आता मुझे।
ए, हिम्मत ताकत से पैदा नहीं होती, दिल में पैदा होती है। ब्रेव बॉय, यंग ब्लड। सुनो, मेरे साथ क्यों नहीं आते? मुझे किस लिए बुलाया? बेटे, पॉइंट टू पॉइंट बस जैसे लिमिट में बोलते हो। बताता हूँ, विट रामास्वामी मेरा ही आदमी है, वो वापस जेल में नहीं जा सकता। उसके खिलाफ तुम्हारे गली के कुछ लोगों ने पिटीशन दिया है, उसे वापस लेने के लिए कहो। अच्छा, आप कौन हैं? क्या मैं कौन हूँ? मैं मंत्री नहीं हूँ, पर उनसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ मैं। पुलिस नहीं हूँ, लेकिन डीजीपी से भी ज्यादा अधिकार है मेरे। गुंडा नहीं हूँ मैं, लेकिन स्टेट के सारे दादा और गुंडे मेरे नाम से कांपते हैं। इस देश में पता नहीं आज तक कितने वीआईपीस पैदा हुए होंगे, लेकिन सांस लेने के लिए भी वो सब मेरी मर्जी के मोहताज हैं। तो फिर पुलिस एनकाउंटर लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर होगा। पोस्टिंग तो अब तक हुई ही नहीं, और उससे पहले ही एनकाउंटर की बात है। मैं अगर पुलिस में होता तो ये बातचीत तुम्हारे घर पर नहीं, मेरे पुलिस स्टेशन में, मतलब लॉकअप में होती। मेरे खिलाफ जाएगा तो तू पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। मैं पुलिस ऑफिसर तुम जैसों से लड़ने के लिए नहीं बना, तुम्हें मिटाने के लिए बना हूं। माइंड इट। परम गुरु, तेरे बारे में जानने के लिए मैं यहां आया था। क्रिमिनल एलिमेंट्स की टोटल लिस्ट तेरे पास है, ये मैं जान गया। अब तक तूने सीधे साधे परम गुरु को देखा, लेकिन अब तू देखेगा परम गुरु असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। संभल के रहना। क्या हुआ पापा? दीदी, क्या हुआ अंकल, बताइए ना, क्यों पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, बोलिए। ए, तू बता ना, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है यहां, क्या फिर से कुछ हुआ, बोल ना, बोल विद्या, उस गुंडे ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं। बोलना, उसने फिर से गलत सुलूक किया क्या? बोलना। गुरु, हर परिवार वाले अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनाने के सपने देखते हैं, पर हम गली वालों ने चाहा कि तू एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन उस गुंडे को मारने की वजह से जो केस बना है उससे तुम पुलिस अफसर बनने के काबिल नहीं हो, इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। अरे परम गुरु, क्या बड़े भाई से पंगा लेके बड़े बड़े पोस्ट वाले जगह छोड़ के भाग जाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है कि वो एक आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हो जाएगा साहब। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर तो क्या पुलिस कांस्टेबल भी नहीं बन सकता। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपके लिए वकील का नोटिस आया। वकील का नोटिस? अरे कौन है वो जो मुझे वकील का नोटिस भेज रहा है? परम गुरु। परम गुरु? हाँ सर, आपने उसको रिजेक्ट किया, इसका कारण जानने के लिए उसने नोटिस भेजा है। उसने मुझे नोटिस भेजा है? अब मैं उससे कोर्ट में मिलूंगा। डैम इट, कोर्ट में। मिस्टर परम गुरु, आपने जो डीजीपी को लीगल नोटिस भेजा उसकी वजह? मैं पुलिस ऑफिसर बनने के काबिल नहीं हूं, ये बात उन्होंने किस बिना पर तय की ये जानने के लिए। आपने जिरह के लिए कोई वकील किया है क्या? नो माय लॉर्ड,
अपना केस मैं खुद लड़ूंगा। यू कैन प्रोसीड। इस केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर वीरप्पन से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। नमस्कार सर। खून करने की कोशिश की ये कहकर मेरे खिलाफ केस बनाया। मैंने किसका खून करने की कोशिश की? रामास्वामी का। रामास्वामी ये उसका पूरा नाम है क्या? नहीं, उनका पूरा नाम है विट्टा रामास्वामी। विट्ट क्या है? उनका गांव है? नहीं, वो तो टाइटल है। ये टाइटल उनको किसने दिया? ये पब्लिक ऐसे ही बुलाती है। ऐसा क्या? उनका धंधा क्या है? वो कंडीशन बेल पे निकले हुए कैदी हैं। ओ, उनका धंधा ही कैदी बनने का है या फिर धंधा करने से वो कैदी बने? अच्छा, कंडीशनल बेल कैदी का क्या मतलब है सर? कंडीशन बेल मतलब कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से जब तक केस खत्म नहीं हो जाता वो जमानत पर बाहर रहेंगे। ठीक है, कोर्ट में उनके खिलाफ कौन कौन से केस पेंडिंग है? वो केस बताइए बताइए मिस्टर वीरप्पन। वो 5 खून 6 चोरी 7 बलात्कार वो 8 वो क्या है कि अरे बाप रे, राशन की लिस्ट जैसी लंबी होती जा रही है। इतने महान इंसान का खून करने की कोशिश की मैंने, मेरे खिलाफ यही केस बनाया ना आपने? गवाह भी तैयार होंगे? सॉरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जब आप उनका कत्ल करने वाले थे वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा और आपको उनका कत्ल करने से रोकने की कोशिश में 3 लोग जख्मी हो गए, उनकी कंप्लेंट पर ही केस फाइल किया। मतलब उन 3 की कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए केस फाइल किया है? हाँ हाँ। उन 3 के नाम क्या है? त्रिवर्तर गोविंदन, पलनी मणि, कुलित्तर स्वामी। हर नाम के पहले गांव का नाम है। ये लोग संगीत के विद्वान है क्या? नहीं। आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं उन लोगों से एक एक करके पूछताछ करना चाहता हूँ। एक एक करके पूछेगा? ठीक है सर, अब तो हम मर जाएंगे। आप लोग बाहर चलिए, आप कट घरे में जाओ। चलो चलो। अरे, ये आपके सर में इतनी चोट कैसे लगी? कहीं गिर गए थे क्या? अरे तूने खुद मुझे मारा और अब सर के चोट के बारे में मजाक कर रहा है? अच्छा, मैं आपको क्यों मारने लगा? जब तू रामास्वामी को मार रहा था मैं बीच में आया, तभी तुमने मुझे मारा। ठीक है, जब रामास्वामी को मार रहा था तब वो क्या कर रहे थे? बोलिए क्या कर रहे थे वो? आपको यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे? इसका मतलब मैंने उन्हें मारा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आप लोगों ने झूठी कंप्लेंट लिखाई। नहीं, आपको रामास्वामी को मारते हुए मैंने खुद देखा है। तो बोलिए ना, वो क्या कर रहे थे? पेपर पढ़ रहे थे। कहाँ? उनके घर के बाहर। उस वक्त आप 3 वहाँ क्या कर रहे थे? राइट साइड में वो स्वामी खड़ा था, लेफ्ट साइड में वो मणि था, मैं भाई के पैर दबा रहा था। उन्होंने पेपर पढ़ते वक्त ऐसा क्या किया कि मैंने उन्हें मार दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या है भाई, कुछ भी करने से पहले टाइम देखकर करते हैं। रेशन कार्ड पर दस्तखत करने के लिए जाना था, टाइम क्या हुआ ऐसा पूछा था। टाइम क्या पूछता है, तेरा ही टाइम खराब है, ये कहकर तूने 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 उनके सीने में लात मारी थी। मतलब जब रामास्वामी को मैंने लात मारी उस वक्त राइट साइड में कुलीतल स्वामी बैठा था और लेफ्ट साइड में पढ़नी मणि था। हाँ। और उस वक्त आप भाई के पैर दबा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। रामास्वामी जब पेपर पढ़ रहा था तब मैंने उसे मारा। आप जा सकते हैं। 1 मिनट। पूछताछ खत्म नहीं हुई? अभी तो शुरू हुई है, वहां जाके खड़े हो जाइए। आपने मुझे रामास्वामी को मारते हुए देखा, ऐसी कंप्लेंट लिखाई है। आपने मारते हुए देखा था? देखा था, इसीलिए तो कंप्लेंट की, बिना देखे कंप्लेंट थोड़ी ना करने वाला था। जब मैं उन्हें मार रहा था तो रामास्वामी क्या कर रहे थे? बोलिए। पूजा कर रहे थे। कहाँ पर? और कहाँ, पूजा घर में। वो मणि फूल चढ़ा रहा था, मैं आरती कर रहा था और ये घंटी बजा रहा था।
नहीं, 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 मैं... अच्छा तो रामास्वामी तो पूजा कर रहे थे तो उन्हें मैंने क्यों मारा? उन्होंने क्या किया, वो तो बस राम का नाम ले रहे थे। आपने कहा था रामास्वामी के कंडीशन बेल पर छूटने की खुशी में आप उनके लिए बिरयानी लेकर आए, आप उनसे खाने की जिद करने लगे थे, उन्होंने मना किया तो आपने घूसा मार दिया। ये कोई न्याय है, ये कोई धर्म है? आप ही बताइए। मतलब मैं जब रामास्वामी को मार रहा था तो वो पूजा कर रहे थे, हाँ। वो आरती कर रहे थे और आप घंटी बजा नहीं, रहे नहीं, थे। नहीं, नहीं, मैं आरती कर रहा था और ये घंटी बजा रहे थे। ठीक है, आप वहां खड़े हो जाइए। माय लॉर्ड, अब मैं तीसरे गवाह को बुलाना चाहता हूँ। यस, यू कैन प्रोसीड। देखा ना कैसा संभाला, उसने तो मुझे फंसा ही दिया था, लेकिन मैं भी समझदार हूँ। आपने देखा ना कैसे मैंने सारा मैटर उल्टा कर दिया। नहीं, 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 नहीं। गधा है, तेरे को अकल नहीं है। अरे चुप्पे चुप्पी कर, तेरे को अकल नहीं है, जरा तू मेरी बात बोल। तू पालनी मानी, मैंने रामास्वामी को मारा ये कंप्लेंट आप तीनों ने ही की थी ना? हाँ हाँ। मैंने जब रामास्वामी को मारा तब वो क्या कर रहे थे? मर गए, मर गए। बोलिए सर। मैंने रामास्वामी को क्यों मारा ये सच तुम्हारे साथियों ने अभी अदालत में बता दिया है। तुम भी सच बोल दो वरना फंस जाओ। अरे गद्दारों, भाई सही गद्दारी की? क्यों किया ऐसा? तुम लोगों के लिए भाई ने क्या कुछ नहीं किया? तुम लोग जब जेल जाते थे तो पेटी भर भर के पुलिस को पैसा खिलाते थे भाई, उनके खिलाफ गवाही दी। अरे एहसान फरामोशो, फिर तुम में और वो पेटिशन देने वाली लड़की में क्या फर्क है? अच्छा कौन है वो पिटिशन वाली लड़की? ए क्या बकवास कर रहा है तू, तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। मेरे भाई के बारे में पिटिशन देने पर गुस्से में भाई ने उस लड़की को जब पकड़ा था तो तूने मेरे भाई को बहुत पीटा था, और जब मैं रोकने आया तो मुझे भी तूने बहुत मारा। मतलब तुम्हारे भाई ने उस लड़की का हाथ पकड़ा इसलिए मैंने उसे मारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज नोट दिस पॉइंट मी लॉर्ड। मुझे रिजेक्ट करने वाले डीजीपी से पूछताछ करना चाहता हूं। यू कैन प्रोसीड। एक कंडीशनल बेल पर छूटे गुंडे को मारने पर और उनके लोगों की दी झूठी गवाही के बिना पर मारपीट के केस को खून का केस बना के फाइल कर दिया इस इंस्पेक्टर ने। उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर आपने मुझे पुलिस की नौकरी के लिए अनक्वालिफाइड कहकर रिजेक्ट कर दिया। इसमें मेरी गलती क्या है सर? क्या है मेरी गलती? एक मासूम लड़की की इज्जत लूटने वाले गुंडे को रोकना गुनाह है। आम जनता की रक्षा करना ही पुलिस की ड्यूटी है। पोस्टिंग होने से पहले ही मैंने ये काम किया, क्या यह गलत है? बिना जांच किए फैसला सुनाने वाले को सही फैसला लेने का एक और मौका दिया, उसे सही गलत की पहचान कराई, क्या यह गलत है? गलत गलत गलत। कंडीशनल बेल पर छूटने वाले गुंडों से भी बढ़कर तूने बर्ताव किया है, तो मुझे बता कि तुझमें और उसमें क्या फर्क है? सुनो, पुलिस डिपार्टमेंट्स के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसे अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है। तुम उसे मार नहीं सकते। एक बात और, कितनी भी बड़ी भीड़ हो और वो उपद्रव करने पे उतारू हो जाए तब भी तुम सीनियर ऑफिसर्स के चार्ज कहने तक कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ भी नहीं उठा सकते हो। माइंड इट। मतलब आंखों के सामने अगर अन्याय होता है तो उसे देखकर चुप रहना होगा, रोकना नहीं है उसे? रोक नहीं सकते मैन, रोक नहीं सकते, दैट इज रूल्स। पोस्टिंग के पहले ही अगर तुम इतने वायलेंट हो तो पोस्टिंग के बाद जब पुलिस ऑफिसर बन जाओगे तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे? यू आर नॉट फिट टू बी ए पुलिसमैन, सो लाइफ लॉन्ग तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते हो। यही मेरा फाइनल डिसीजन है।
तो फिर मेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष्य, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मार दो इसे, छोड़ो मुझे, बाबी, बाबी, इन लोगों ने क्यों मारा मुझे, क्यों मारा मुझे? आपने चार्ज कहा या फिर अरेस्ट वारंट लेकर आइए? रूल तोड़ने वालों को आपके रूल्स के हिसाब से डिसमिस करना चाहिए, करेंगे आप? ये लोग आपकी जान बचाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मुझे मारा है। अब बोलिए सर, क्या इंसानियत से कानून बड़ा है, सच्ची हमदर्दी से रूल्स बड़े हैं? चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली एक लड़की के आंसू पोंछने से ज्यादा डिपार्टमेंट की इज्जत बड़ी है? आपकी बेइज्जती करना मेरा उद्देश्य नहीं था सर। अपनी बात को इस अदालत के सामने लाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर, इसलिए मैं चाकू लेकर आपको मारने आया। मुझे माफ कर दीजिए सर। माय लॉर्ड, मेरी लड़ाई मेरी नौकरी या उससे मिलने वाली तनख्वाह के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर पैसों के लिए काम करना होता तो 50,000 देता हूं, 1,00,000 देता हूं कहकर कितनी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे कॉलेज कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? पुलिस की नौकरी को मैंने कभी नौकरी नहीं समझा माय लॉर्ड, उसे अपनी जान देकर करने वाली इबादत मानता हूं। अन्याय करने वालों से बेबस लोगों को बचाने का आनंद, ईमानदार लोगों को हिम्मत देकर उन्हें सुकून पहुंचाने पर होने वाला गर्व, बाहर के दुश्मनों से देश को बचाने वाले फौजी जैसे, देश के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट से देश को बचाने के लिए ही मैं पुलिस बनना चाहता हूं माय लॉर्ड, मैं पुलिस बनना चाहता हूं। मेरे बचपन में मेरी हिफाजत मेरी माँ करती थी, उसके बाद मेरी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने ले ली। ये जिम्मेदारी नहीं, ड्यूटी है, प्यार है। बिल्कुल वैसे ही सब लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, इनकी जिम्मेदारी भी ड्यूटी नहीं हो सकती, प्यार होना चाहिए। बिल्कुल यही मैंने किया। जिन पुलिस वालों को मेरी तारीफ करनी चाहिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट, इस केस में एक मासूम लड़की को एक गुंडे से बचाने के लिए परम गुरु ने मिस्टर रामास्वामी को मारा, यह साबित हो गया है। इसलिए मिस्टर परम गुरु को इस कोर्ट के डिस्पर्स होने से पहले फौरन से पेशतर असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाए, मैं सरकार को यह आदेश देता हूं। इसके अलावा कंडीशनल बेल पर रिहा किए गए मिस्टर रामास्वामी और उनके साथियों की बेल कैंसिल करके उनको फौरन जेल भेजने का आदेश देता हूं। क्या परम गुरु और पुलिस ऑफिसर बन गया? नहीं हो सकता।
क्या यार, कल से अकेला है? क्या पूछा था? यही ना, कल से मैं अकेला, सुपर जोड़ी बनेगी, ले पिएगी? नहीं भैया, पी के देखना। भैया नहीं। भैया बोलती है, मिया 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 बोल अपना। हाँ भैया, मैं गरीब लड़की हूँ। गरीब लड़की है, अमीर बना देते हैं, बोल इतना चाहिए तुझे, बोल। ये मिनिस्टर का बेटा है, बहुत अमीर है, जितना चाहे मांग ले, तुझे फौरन अमीर बना देगा। हाँ अरे बोल ना, कितना चाहिए? ये बोल बोल बोल। अरे इसके सिर पर चोट लगे, खून बह रहा है यार। छोड़ना, कोई ना कोई हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। चल चल, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ तो, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या बात है साहब? हमारी बस्ती की 10-15 लड़कियां बीच के पास एक होटल में काम करती है। मंत्री के बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर हमारी लड़की के साथ छेड़खानी की साहब। हमारी लड़की को चोट लगी, वो अस्पताल में है साहब। डॉक्टर कहते हैं कि वो नहीं बचेगी। ये सुन के बस्ती वालों का खून खोल उठा है साहब। बाकी लड़कियां काम पर जाने से डरने लगी है। आप ही को कुछ करना होगा। जरूर कार्यवाही करूंगा। मंत्री का बेटा आपकी लड़कियों को कभी नहीं छेड़ेगा, मैं वादा करता हूँ। आप लोग जाइए। चलाती है क्या? हट मवान। क्यों बुरा मान गई? क्यों क्या मैटर है? बस्ती से एक लड़की यहाँ नौकरी करने आती थी, उसे छेड़ने के सिलसिले में पूछताछ कर रहे आए हैं। कहाँ है विनायक? हमने तो मस्ती में छेड़ दिया था, अब वो फिसल कर गिर गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसी इस उम्र में हम लोग मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में मस्ती करेंगे? जाओ यार, क्या केस लेकर आ गए तुम भी? क्या सर, आपको पता है वो कौन है? मिनिस्टर का बेटा है सर। उनको पता चला आप यहाँ पूछताछ करने के लिए आए हैं तो इमीडिएटली आपको डिसमिस करवा देंगे। छोटी सी बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है सर? जाइए जाइए ना सर। अरे जाएंगे यार, पहले बियर का इंतजाम तो करो इनके लिए। मैंने सोचा उस लड़की को सीरियसली छेड़ा होगा। पर ये सब मस्ती में हुआ। ये भी मस्ती में ही हुआ। अरे पापा, अरेस्ट वारंट के साथ एसीपी परम गुरु घर पर आ रहे हैं। अरे अरेस्ट वारंट को देखकर हम नहीं डरते हैं, बल्कि वो डरेगा देखना। परम गुरु एसीपी तू ही है का? हमारे घर में पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए आती है। 30 साल से मंत्री हूं, तू पहला पुलिस वाला है जो अरेस्ट वारंट के साथ आया है। तो फिर इन 30 सालों में हिम्मत वाले पुलिस अफसर से पहली बार मिल रहे हैं आप। अरे हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो मंत्री ही रहूंगा ना। चाहे कोई भी सरकार रहे, मैं तो पुलिस ऑफिसर रहूंगा। अरे राशन कार्ड में पेशे का कॉलम देखा है का? वहां पर पहले से ही हम राजनीति लिख कर रखा हूँ। हाँ, सर्टिफिकेट में जाति के कॉलम को देखा है आपने? वहां मैंने पुलिस ऑफिसर लिखा है। 5 लाख वोट को जेब में रखकर घूमता हूं मैं, तू मुझसे लड़ेगा? हमारे बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाकर मारने के बारे में सोच रहा है का? ये कैसे सर, आपकी दिल की बात करेक्ट जान गए। जनता की बात जानते हैं, इसीलिए तो इतने दिनों से मंत्री हैं, है ना सर? अच्छा, मजाक करता है। आओ डीसीपी। गुड मॉर्निंग सर। अब क्यों डरता है, अब जो भी कहना है बॉस से कह। बोलिए। अरे ये बड़े लोगों का मामला है, तुम बिना सोचे समझे इनके लिए प्रॉब्लम करोगे तो हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। चुपचाप वैसा ही करो जैसा ये कहते हैं। मेरी बात सुनो, लड़के को स्टेशन ले जाकर मारने पीटने की बात मत करो,
आजकल तुम पुलिस वाले तो खुद न्याय करने लग गए हो, वो तो हमारे डिपार्टमेंट का काम है। सीधे लड़के को कोर्ट में पेश करो, ये देखो खून का केस, ड्रग केस सब हैंडल करता हूँ, और ये तो ईव टीजिंग केस है, पलक झपकते ही लड़का बाहर आ जाएगा, याद रखो। हाँ, मेरे ऊपर के सुपीरियर ऑफिसर मना कर रहे हैं, वकील केस खारिज करवा लेगा, और हमारे ये मंत्री साहब ये तो 5 लाख वोट जेब में लेके घूमते हैं, इसके बाद भी मैं लड़के को हाथ लगाऊंगा, इतना पागल नहीं हूं मैं, छोड़ दिया सर मैंने उसे। That's good. सर, मेरा पहला केस है, वारंट के साथ आया हूं, खाली हाथ कैसे जा सकता हूं, आपसे वादा करता हूं इसे सीधे कोर्ट में ले जाकर पेश कर। पापा, है, अरे काहे डरता है तू? घबराओ मत दोस्त, चाहो तो अपने साथ अपने पापा, डीसी सर, लॉयर सर, इन सबको ले सकते हो। सर, मैं सच कहता हूँ, मैं आपके बेटे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब आया ना रास्ता पर। ए विनायक, देखा ना तूने? हाँ, अरे तुमको अरेस्ट करने आया था, खुद ही सरेंडर हो गया। चल बेटा, डरने की बात नहीं है। हाँ, पुलिस कोर्ट जेल ही सब नेताओं के लिए बना है भाई। ए, गाड़ी कहाँ स्लो हो रही है? लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है सर, ये तो इस सिटी में आम बात है। हाँ, साहब, ये कोर्ट जाने वाली सड़क नहीं है, ये तो पता नहीं हमें कौन सी बस्ती में ले आया है। हमारा कहाँ जाता है, ये लोग संभालेंगे ना? साहब, आपके लड़के ने इसी बस्ती के एक लड़के को हाथ पकड़ के छेड़ा था। साहब, अपने गाड़ी भी रुक गई साहब। ओ रम्बा 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 रम्बा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। Hey. जी साहब। आओ। मैं आऊँ? हाँ तुम। मैं क्यों आऊँ साहब? आओ। आया। Hey, कल कमिश्नर के ऑफिस में क्या तमाशा कर रहे थे? अच्छा सर, सर मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। बस्ती की लड़की को अगर इंसाफ नहीं मिला तो एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं बचेगा, यही कहा था ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। यही कहा था ना? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था सर, बिल्कुल नहीं। क्या रे, ऐसा करके पुलिस की नौकरी छीनना चाहता है? अरे साहब, मैं ऐसा क्यों कहूंगा, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। अरे क्या मुसीबत मोल ले रहा है? साहब साहब, वो कोई गेम करके हमें फंसाने वाला है साहब। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। अरे हमारे साथ डीसीपी है, वकील है। पर ये मारपीट मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये इनका डिपार्टमेंट है, ये डील कर लेंगे। काहे की डील करेंगे, उसके पहले वो हम सब लोगों की डीलिंग कर देगा। ए, तू बैठ, खुद डर के दूसरों को भी डरा रहा है। सर हिम्मत रखिए सर, बेटे चिंता मत करो, हमारे रहते कोई कुछ नहीं करता। जा जा। साहब साहब, वकील साहब भी जा रहे हैं, रोके। अरे वकील, तू कहाँ जा रहा है? सर, किसी भी तरह आपके लड़के को जिंदा कोर्ट में ले आइए, मैं जज को रेडी रखता हूँ। क्या बोला तू? मंत्री का बेटा, इसलिए एक्शन नहीं लेंगे? क्यों, तू टीवी में बोलेगा, पेपर में छपवाएगा? सर, हमने घूस खाई है ये कहकर बदनाम करवाएगा, कह रहा है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अभी का क्या कर रहा है, छोड़ता क्यों नहीं उसे? नहीं बोला सर। बोला तूने? सच कह रहा हूँ। जब वो मना कर रहा है तो उसे रहने दो ना। ऐसे कैसे मना कर सकता है? ए, तू कैसे जानता कि मैंने मंत्री के बेटे को नहीं पकड़ा? चल, मेरी बात सुनो। अंदर है वो। अरे हाँ सर, मेरी बहन का सिर तोड़ने वाला यही है। थैंक यू सर। अरे बस्ती वालों, आओ, हमारी बहन को छेड़ने वाला मिल गया। देखिए, इस लड़के को कोई भी बाहर नहीं खींचेगा। कोई भी इसे नीचे गिरा कर लाश भूखों से नहीं मारेगा। तो ये सो जाएगा, इसे उठा तुझे अपना जीजा, देख कैसा होता है जीजा, अब ले साले की मार खा। साहब आप मत जाइए, वो जवान है, मार सहलेगा, आप बूढ़े हैं, आपके हड्डी पसली एक हो जाएगी। साहब छोड़ जाइए, छोड़। अरे मवाली, तेरी ये हिम्मत हमारी बस्ती की बेटी पर हाथ डालेगा, अब मेरे हाथ मार खा। कोई भी जल्दबाजी में लड़के के हाथ पैर नहीं तोड़ेगा। आज तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ,
इतनी मार खाई है इसने कि अब जिंदगी भर किसी लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब इसे छोड़ दो, हम लोग रेस्ट करके फिर से आते हैं। लफंगे गए के पड़ा रहे यहीं पर। अरे भगवान। ए परम गुरु, बेटे को कोर्ट ले जाने की जगह पे बस्ती में लेकर आ गया। मैं अपने वादे का बिल्कुल पक्का हूँ, मेरा हाथ आपके बेटे पर पड़ा ही नहीं है। डीसी सर गवाह है। सर मैंने हाथ लगाया क्या, बोलिए। और वो एडवोकेट सर का तो पाला ही भाग गया कमीना। मैं अब भी कहता हूँ सर, मेरा हाथ आपके बेटे पर पड़ा ही नहीं। आपका हाथ लगे या ना लगे क्या फर्क पड़ता है, लोगों ने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर ही डाले ना। सर इनको कोर्ट ले जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हॉस्पिटल और फिर पोस्टमार्टम। अब इनसे कहो ना। हाँ इनसे अब पोस्टमार्टम। अरे हमारा बेटा, अरे तुझे कितना मारा रे, उठ जा बेटा उठ जा। अरे जेब में 5 लाख वोट लेकर घूमता हूँ, हम देख लूंगा हम सबको। भाई साहब आप कौन हैं? ए भगवान। असिस्टेंट कमिश्नर बनके पहले ही केस में आरोपी को जेल की बजाय बस्ती में लेकर गए। नहीं दिव्या, वो एक गुंडा या क्रिमिनल नहीं है, आवारागर्दी करने वाला एक मंत्री का लड़का है। उसे ले जाकर अगर लॉकअप में डालता तो 2 दिन के अंदर वो बाहर आ जाता, इसलिए मैंने उसे उन लोगों को सौंप दिया। उनको भी मारने में मजा आया और मुझे भी अच्छा लगा। आइंदा वो किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेगा। आई लव यू। मचले जाने जा, आजा तुझे लेके चलूं मैं गुलिस्तान। नींबू के खेत में नींबू कितने पड़े, आजा ये दिल लिए है मेरे अब जा। नींबू बोल के तेरे चेहरे पे हंसी है, आई मुस्कान मुँह में पानी आया। मेरा सब सोना जाने तेरे लिए है, चोर है तू क्यों नहीं तू भूले, कर ले वो भूल सब होगा अच्छा। तुझे जो मैंने देखा तो बारिश हो गई, तेरे घर आऊंगा तो पहनूंगी साड़ी। तुझे जो मैंने देखा तो बारिश हो गई, तेरे घर आऊंगा तो पहनूंगी साड़ी। तू ही मेरा प्यार है, तू ही इकरार है, तू ही धड़कन है मेरी जाने जाना। तू ही है दिल मेरा, तू ही धड़कन मेरी, तुझको ही मैंने अपना सब कुछ माना। मेरी नजरों से अब दूर मत जा, चोर है तू क्यों नहीं भूले, कर ले भूल सब होगा अच्छा। कल साफ कर मेरी बात मान ले, प्यार में सौदा होगा सच्चा 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 सच्चा। तू नहीं भूले, कर ले भूल सब होगा अच्छा।
मान ले, प्यार में सौदा होगा सच्चा 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 सच्चा। मैंने तुझे अपने दिल में फंसा रखा है, तेरे सिवा इसमें और कोई नहीं है। मेरा दिल तेरे लिए मच ले जाने जा, आजा तुझे लेके चलूं मैं गुलिस्तान। नींबू के खेत में नींबू कितने पड़े, आजा ये दिल लिए है मेरी अब जा। नींबू बोल के तेरे चेहरे पे हंसी है, आई मुस्कान मुँह में पानी आया। मेरा सब सोना चांदी तेरे लिए है, जुड़ गए तुम क्यों नहीं भूले, कर ले भूल सब होगा अच्छा। करना फिक्र मेरी बात मान ले, घर में सौदा होगा सच्चा 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 सच्चा। बैठिए। ये लोग एजुकेशनल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। ए, 50-60 करोड़ रुपए खर्च करके कॉलेज बनवाया है, पैसे लेके बच्चों को दाखिला भी दे दिया गया है। अब आके ये लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तो कॉलेज बंद कर देंगे। मामला अगर केवल इतना ही होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। उन्होंने फोन करके सही करने के लिए कहा है, साइन करके चेक दे दिया, जितनी मर्जी आए उतने भर लीजिए, जाइए जाइए। शट अप यू इडियट, बिना गवर्नमेंट ऑर्डर के कॉलेज चलाना जुर्म है जुर्म। ऐसा क्या है तुम्हारे कॉलेज में? हाँ, कॉलेज की इमारत अच्छी है क्या? लैब है, लाइब्रेरी है या बहुत अच्छे प्रोफेसर है तुम्हारे कॉलेज में? लाखों रुपए खाकर गरीब बच्चों को फंसाते हैं। देखो देखो इनको देखो, ये कॉलेज चलाएंगे। बच्चों के भविष्य के बारे में जरा तो आपने सोचा होता। लोअर केजी से शुरू होकर बच्चा जब ABCD लिखना शुरू करता है, पढ़ाई को बिजनेस बनाने का आपका काम शुरू हो जाता है। पैसा होने से ही पढ़ाई कर सकते हैं, ये गलत सीख शुरुआत से ही बच्चे जान गए हैं, इसलिए तरक्की नहीं हो पाई। हजारों बच्चे इस राज्य में इसी वजह से नुकसान उठा रहे हैं, इसीलिए भ्रष्ट लोग कॉलेज के बच्चों को बहकाते हैं। इस पर एक्शन लेने के लिए हमें स्पेशल ऑफिसर बनाकर भेजा गया है। ठीक है, जैसा आप कहते मैं कॉलेज बंद कर देता हूँ। अरे ये क्या, चिल्लाओ मत। बिल्डिंग का सारा खर्चा, स्टूडेंट्स को लौटानी है वो रकम, इन जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स को जो खिलाई है वो रिश्वत, उसका इंटरेस्ट, मेरी फीस, ये सब मिलाकर करीब 100-125 करोड़ रुपए होते हैं। वो दे दो, कॉलेज बंद कर देता हूँ। गुंडों को रखकर धमकी दे रहे हो क्या? गलत है, धमकी देना गलत है, मुझे मारने की आदत है, बड़े भाई ने कहा इसलिए समझा रहा था। मैं तुम जैसे गुंडों से डरने वाला नहीं हूँ, दिखा जरा हाथ लगा कर तो दिखा। पैसा कमाने के लिए गुंडागर्दी करने वाले तुम लोगों को इतनी अकड़ है, तो पैसा भरकर पढ़ाई करने वाले हम लोग पढ़ाई के बल पर कितनी अकड़ रख सकते हैं तुम्हें पता नहीं है? 10,000 स्टूडेंट्स हमारे साथ अगर आ गए ना तो तुम्हारी क्या हालत होगी समझ लो, इसी कॉलेज में तुम्हारी समाधि बना देंगे। माइंड इट, हमें क्या समझते हो? वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, विदाउट अवर नॉलेज कॉलेज कैसे चलाते हो ये हम देख लेंगे। चलिए सर। नमस्ते साहब, आपने जैसा कहा वही करने की कोशिश। आप लोग बाहर जाके खेलो बच्चों। थैंक यू। क्या हुआ शिवा, क्या खबर है? वो यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ने साइन किया क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना साहब? बात ये है कि तू डरा हुआ क्यों है? एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती मतलब? हाँ साहब, साहब आपसे पूछना था, इसलिए उन तीनों की लाशें अभी तक गेस्ट हाउस में रखी हैं। तुम में अकल ही नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये बात बाहर फैल गई तो उन लोगों ने आपकी बेइज्जती की, इसलिए साहब पुलिस के पास जाके मैं सरेंडर हो जाता हूँ। चाहे कितना भी टॉर्चर कर लें, लेकिन आपका नाम मुंह पे नहीं आने दूंगा। आज 4 बजे बीच रोड में शांति मोर्चा है, उस शांति मोर्चे को दंगे में बदल दो। कम से कम 30-40 लोगों को काट के फेंक दो। उन 30-40 लाशों के साथ इन 3 लाशों को भी डाल दो। कल ये न्यूज
जब टीवी और पेपर में आएगी ऑफिसर्स भी दंगे में मर गए तो लोग यकीन कर लेंगे। नमस्ते सर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर परम गुरु से मिलना चाहता हूँ। अरे बार बार आके तू तकलीफ दे रहा है, क्या बात है? प्रभाकर माँ, ये क्या? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि यहाँ मत आना। माँ, माँ, चल माँ, चल माँ, लेकिन सुनिए तो, परम गुरु सर आ गए हैं, मुझे बैठ अंदर है। एक ही मिनट की बात है माँ, चल, बहुत जरूरी बात है माँ, चल बैठ अंदर। सुनिए माँ, बैठ। सुनिए तो, बैठ। और कितने दिन तक छुपाएंगे? बैठ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये कौन है, क्या तकलीफ है इनको? लड़के का नाम प्रभाकर है, कॉलेज में पढ़ता है। एक जरूरी बात सिर्फ आपसे कहने के लिए काफी दिनों से आ रहा है। अभी अभी उसकी माँ आके उसे लेके गई है। ये परम गुरु कहीं वो तो नहीं जो मस्ती किंग के नाम से जाना जाता था, वही है क्या? हाँ हाँ, लड़कियों को देखकर कितना अच्छा रोता था वो, नहीं नहीं गाता था।
टेला कभी चलता नहीं, फूल का मल कभी खिलता नहीं, फट 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 चले फटाका, खिल 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 करके हंसे तू, मेरे लिए तू बोझ नहीं है, मौका ऐसा हर रोज नहीं है, कस्तूरी नाम तेरा, मैं देखूं काम तेरा, बरसे यहाँ कितने फूल, बिन तेरे जाऊं कहाँ, तेरे साथ मस्ती में झूमे नाचे गाए हम, आया खुशियों का मौका, मस्ती में झूमे नाचे गाए हम, शुभे शुभे शुभिया रे शुभिया, शुभे शुभे शुभिया, शुभे शुभे शुभिया रे शुभिया। वेलकम पावर गुरु। ओके ओके, वेलकम परम गुरु। आइए आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सर बुके। ओ सेम ओल्ड नॉटी। कैसे हैं आप सर? पहले मस्ती की ना पुलिस ऑफिसर। आइए सर। सॉरी, आओ परम गुरु। प्रभाकर, तुम मुझे ढूंढते हुए दो बार ऑफिस क्यों आए? क्यों सर, मैंने अगर पुलिस में कंप्लेंट की और उन्हें पता चल गया तो वो गुंडे मुझे मार डालेंगे ना। किसने कहा तुमसे? मेरी माँ बहुत डरती है सर। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, बचपन में ही पिताजी गुजर गए थे, मेहनत करके मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है सर। मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ सर, मैं माँ का लाडला हूँ सर। सर मेरी भलाई के लिए, जिस तरह से मेरी माँ सोचती है स्टूडेंट कमेटी की भलाई के लिए, उसी तरह इन तीनों अफसरों ने काम किया। कौन से तीन अफसर? यूनिवर्सिटी, ग्रांट कमीशन और कॉलेज की ग्रांट अप्रूव करने वाले ऑफिसर। कुछ दिन पहले जो दंगे हुए थे उनमें जो मर गए थे वो ऑफिसर्स? सर वो दंगे में नहीं मारे गए थे सर, उन सबकी हत्या की गई थी सर। ये सब क्या कह रहे हो सर? मैं अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी समय में पार्ट टाइम में कार टैक्सी चलाता हूँ सर। अपनी कार टैक्सी में ही एक दिन मैं उन तीन ऑफिसर्स को एक जगह पर ले गया था। मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन तोड़कर आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। सर आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ गवाही देने के लिए आऊँगा सर। उन खूनी दरिंदों को हमें सबक सिखाना ही होगा सर, सबक सिखाना ही होगा सर। 20 साल की उम्र में जो मेरे अंदर जोश है उसी को अपना लक्ष्य बनाकर IPS की पढ़ाई करके आया हूँ। वादा करता हूँ उन्हें देख लूंगा। प्रभाकर, कितनी बार कहा है तुझसे? सुनिए यहाँ पर बात तो सुनिए, नहीं है इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हैं? ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों का यकीन मत करिए। किसी ने किसी को नहीं मारा, इसने कुछ नहीं देखा, झूठ बोल रहा है ये। कुछ दिनों से किसी को भी देखकर खून हो गया, चोरी हो गई, ऐसा कहता रहता है। इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, डॉक्टर के पास भी ले गई थी। ये कुछ दिनों तक दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा साहब, मेरा यकीन कीजिए। सच को छुपाने के लिए अपने बेटे को ही पागल साबित कर दिया। पागल बनकर कुछ दिन तो जिंदा रहेगा ये। साहब ये सब तो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, इसमें इसका नाम भी जुड़ गया है, इसकी जान को खतरा है साहब।
साहब, जिसने 3 खून छुपाने के लिए 30 खून किए हो, वो इसे कैसे छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? साहब, मुझे इसके पढ़ने की उम्मीद नहीं है, इसके कमाने की उम्मीद नहीं है, बस मेरी आखिरी सांस तक ये जिंदा रहे और कुछ नहीं। साहब, मेहरबानी करके इस केस में से इसको निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। माँ जी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे इस डर की वजह से ही इंसाफ मर रहा है। आपको दिए हुए वचन को भूलकर ये मुझ पर भरोसा करके मेरे पास यहाँ आया है। मैं इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। गुनहगारों को पकड़ना ही पुलिस का काम नहीं है, भले लोगों को बचाना भी काम है। आपके पास अफसर, बंदूक, बहुत सारे पुलिस वाले हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा है। मेहरबानी करके हमें इस खतरे में मत डालिए। खतरे में डालना? आप पुलिस डिपार्टमेंट को गलत समझ रही हैं। आपके बेटे के ऊपर अगर एक खरोच भी आ गई तो मैं जिम्मेदार हूँ। आप लोगों की सुरक्षा का इंतजाम मैं करूँगा, हिम्मत रखिए। नमस्ते। ये क्या कह रहे हो, मोर्चे को दंगे में बदल दिया? हाँ सर, इंक्वायरी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी को छुपाने के लिए 30 लोगों की जान ली गई है, और इसका एक चश्मदीद गवाह है जिसने मुझे रिपोर्ट की है। सर, इस इंक्वायरी के खत्म होने तक उस लड़के की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं सर, इस दंगे की शुरुआत करने वाले गुंडों को पकड़ने से बड़े VIPs हमारे हाथ लगेंगे। प्रोसीड। थैंक यू सर। परम गुरु, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। नमस्ते DGP सर। पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट मिली आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, बैठिए। आपको जो भी मदद चाहिए मुझसे निसंकोच मांगिएगा। DGP की मदद करेंगे, सब पुलिस से मदद मांगने आते हैं, लेकिन आप पुलिस की मदद करना चाहते हैं। थैंक्स। ऑफिसर्स के खून होते देखने वाला विटनेस मौजूद है। खून करना मुश्किल नहीं है, पर विटनेस नहीं चाहिए। जाओ, उसे ढूंढकर खत्म करो। माँ, गांव जाने की जिद क्यों कर रही हो? कल मेरा एग्जाम है, एग्जाम में नहीं बैठूंगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। भाड़ भी जाए तुम्हारी पढ़ाई, एग्जाम नहीं लिखोगे तो 2 साल खराब होंगे, लेकिन यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। चलो। परम गुरु साहब बहुत अच्छे इंसान है माँ, हिम्मत वाले हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मुझे यकीन है उनके रहते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देख, अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। चल उठा अपना सामान, चल। क्या कर रही हो? मेरे एग्जाम है माँ। कहती हूँ चल। परम गुरु साहब से एक बार मिलकर फिर चले जाएंगे। कुछ नहीं सुना, बैठ अंदर। माँ, क्या हुआ? यही वो हत्यारा है माँ। हाँ, ये तो क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैंने खुद इनको खून करते हुए देखा था माँ, सच कहता हूँ माँ। हे, तू अंदर बैठ। माँ, तू जा अंदर बैठ। माँ जी, प्रभाकर यहाँ कहाँ पर रहता है? अरे बोलना। हम इस एरिया में नए हैं, आप किसी और से पूछ लीजिए ना। चलो चलते हैं। ए रुको। अपना बैग लेकर जाओ। यहाँ प्रभाकर का घर कहाँ है? आप जिससे बात कर रहे थे ना, वही तो प्रभाकर की माँ है। क्या, हमें उल्लू बना दिया? आ,
लीजिए, चल। अच्छा दिया माँ, वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ गए माँ। वो लोग यहीं पर कहीं होंगे, ढूंढ कर निकालो उनको। जल्दी कर, जल्दी कर। बेटा बेटा, ये सीट मेरी है। चाहिए चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ से। चाहिए, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। चल उठ उठ उठ, जल्दी कर, चल। कैसा लड़का है तू, अपना चश्मा भी भूल कर आया है। हाँ, मैंने संभाल कर रखा है। हाँ, ये रहा। हाँ, मैं पहना देती हूँ तुझे प्रभाकर।
चश्मे को बचा लिया, पर तुझे तुझे नहीं बचा पाए, तुझे नहीं बचा पाए। आपसे पहले ही कहा था ना कि मेरा बेटा खून के बारे में कुछ नहीं जानता, छोड़ दीजिए उसे, पर आपने नहीं सुना। वो मेरा एक लौता बेटा है, पागल है, उसे मेरे पास ही रहने दीजिए, पर आपने नहीं सुना। अब देखिए उसे, मार कर फेंक दिया है उसे, देखिए अब तो खुश है ना। इन बड़े बड़े लोगों की बातों में नहीं फंसना था, छोड़कर चले जाना था ये शहर। परम गुरु साहब बहुत अच्छे, कुछ नहीं होगा, वो देख लेंगे, तुम डरना नहीं, ऐसा कहा था ना। आप पर भरोसा किया था और आपने नहीं बचाया उसे, क्यों क्यों नहीं बचाया? गरीब लड़का है इसीलिए मर जाने दिया, है ना? पैसे वाली माँ नहीं है इसीलिए मर जाने दिया। आपने कहा था अगर इसे एक भी खनोच आएगी तो आपका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। अब मेरे बेटे को मारकर फेंक दिया है। अगर ये गरीब की जान नहीं बचा सकता तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट किस काम का, किस काम का? उतार दो अपनी ये वर्दी। गुड मॉर्निंग सर। लॉकअप खोल के इन तीनों गुंडों को बाहर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग गुंडे sir. शेवा के ऊपर लगाई एफआईआर की कॉपी लेकर आओ। ठीक है सर। शिवा की एफआईआर कॉपी आपने फाड़ दी, आप उस पर एक्शन कैसे लेंगे आप? अगर वो मिला तो कोर्ट ले जाकर उसे सजा नहीं दिलवाऊंगा, उसी जगह पर काट के रख दूंगा। जाकर बोलो आउट, गेट आउट। साहब, साहब जी, साहब जी, साहब जी। क्या है, क्या हुआ? साहब जी, वो परम गुरु एसीपी मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है साहब जी, अगर मैं उसके हाथ लग गया तो वो जान से मार देगा मुझे। ए, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों,
कितने पुलिस वाले देखे हमने, कितने वकीलों को खरीदा है, कितने जजेस को धमकाया है। जी, मुझे पता चला है कि उसने मेरे खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज थी वो सबकी सब फाड़ कर फेंक दी है। एक भी केस नहीं बनाया है, बल्कि मुझे अपना जाति दुश्मन मानकर फॉलो कर रहा है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा साहब जी। ऐसा क्या? अरे वो हमें क्या फॉलो करेगा, अब हम उसे फॉलो करेंगे। मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखो सर की जान को खतरा है, इसीलिए हमसे प्रोटेक्शन मांगने आए हैं। परम गुरु, सबसे जरूरी बात यह है कि इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर ले लो। आई एम सॉरी सर, मैं जिस प्रभाकर मर्डर केस को डील कर रहा हूँ सर, उसमें एक जरूरी एविडेंस मिला है। ऐसे हालात में उस केस को छोड़ के डाइवर्ट कैसे हो जाऊं सर? परम गुरु, ये निर्देश गृह मंत्रालय से आए हैं, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनको प्रोटेक्शन देकर इनकी जान को बचाना होगा। डिपार्टमेंट की इज्जत बचाना तुम्हारे हाथ में है। एसीपी सर कुछ जरूरी केस की बात कर रहे हैं, उन्हें बीच में ही रोककर उन्हें मेरे लिए स्पेयर कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट डीजीपी सर। सिक्योरिटी साहब, वो वॉचमैन और तुम सब घर जाके आराम करो। आपकी हिफाजत। अच्छा, वो तो सरकार ने भेजा है ना। परम गुरु, आपका काम वो करेंगे। ठीक है साहब। ना, क्यों डर रहा है बिंदास आओ। क्यों रिश्वा, परम गुरु को देख के डर गया क्या? अब ये तुझे पकड़ने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसे ड्यूटी से हटा दिया है। अब ये मेरी हिफाजत करने वाला मेरा बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी। अब वो कुछ नहीं कर सकता। आओ। ए परम गुरु, जानते हो तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड क्यों बनाया? अब समझ गए ना कि शिवा मेरी जान है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवा का पीछा करना छोड़ दो। अब अगर तुम नहीं मानोगे, अभी तो एक हफ्ते का प्रोटेक्शन मांगा है, वो एक महीने का हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, सोच लो, वरना रिटायर होने तक वॉचमैन ही करनी पड़ेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे कुछ हुआ, उसे फौरन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। सोच लो, सोच कर फैसला करना। चलो शिवा, चलते हैं। देखा साहब, आपसे पंगा लेके कोई सुखी नहीं रह सकता, हर एक को आपके चरणों में आकर बैठना ही पड़ता है। हाँ। वेलकम गुरु, अपना इरादा चेंज कर लिया क्या? मैंने भी देखा है, साहब की पावर के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। जो चाहिए मांग लो, दे देंगे। जा। परम गुरु, हंसोगे तो मुझसे बड़ा दोस्त नहीं मिलेगा, अखड़ोगे तो मुझसे बुरा दुश्मन नहीं मिलेगा। मैंने काफी सोचा सर, आप शिवा पर जान छिड़कते हैं, उसे कुछ होगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों उसे अरेस्ट करूं मैं? हाँ, चुपचाप आपसे सुलह करने का मन बना लिया मैंने। ए, देखा क्या कैसे डर रहा है। कोई भी मेरे घर पर आने के बाद मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ? देखो परम गुरु भी अपना साथ दे रहा है। मांगो परम गुरु, तुम्हें क्या चाहिए मांगो।
ये क्या सर, आपने कह दिया मांगो, मुझे चाहिए इसकी जान। परम गुरु, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट को रिपोर्ट तो देनी होगी ना, मैं जरूर दूंगा। ये तुझे मारने आया इसलिए मैंने इसे मारा। क्यों शौक हो गए? अभी तुम्हें मारकर एक और लाइन ऐड कर दूंगा कि इसने तुम्हें मारा इसीलिए मैंने इसे मारा। क्यों, मेरे प्रोटेक्शन में रह के तू अगर मर गया तो पुलिस की बदनामी होगी, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। और क्या क्या बोला था तूने? हाँ, उम्र भर मुझे वॉचमैन बनाएगा, बना ले, मैं रेडी हूं। ये क्या कह रहे हो? उन अफसरों के खून का जिम्मेदार जयप्रकाश है? हाँ सर, उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। परम गुरु, जयप्रकाश एक वीआईपी है, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे कहने से उसे अरेस्ट करके कोर्ट भी ले गए तो उसे गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास सबूत कहाँ है? इसलिए इंक्वायरी कमीशन की मांग कर रहा हूँ, वो इंक्वायरी करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इंक्वायरी कमीशन बिठाने के लिए पुलिस के पास अधिकार नहीं है, ये तुम जानते हो। जानता हूँ सर, इसलिए अधिकार वाले लोगों को साथ लेके आया हूँ। कौन है ये सब? मारे गए तीन अफसरों की फैमिली है सर, ये लोग अगर अर्जी देंगे तो इंक्वायरी कमीशन बिठाना ही पड़ेगा सर। सर, हम तो समझ रही थी कि हमारे पति दंगे में मारे गए, लेकिन उन्हें तो मारा गया, ये सुनकर हमें बहुत बड़ा धक्का लगा, हम टूट गए। उन गुनहगारों को आप ही को ढूंढकर सजा देनी होगी सर। आप चिंता मत कीजिए, आपको न्याय दिलाने के लिए मैं इंतजाम करता हूँ। 30 जनों की मौत और उस दंगे के जिम्मेदार का पता लगाने के लिए ये सरकार रिटायर्ड जज मिस्टर वीरेंद्र सिंह को अपॉइंट करती है। ऑनरेबल जस्टिस प्लीज। मैं रिटायर्ड जज हूं, लेकिन कानून कभी रिटायर नहीं होता, इसीलिए इस जवाबदारी को लेने में मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है। सर, प्रकाश जैसे मुजरिमों को जब तक इस देश में घूमने की आजादी है, कानून व्यवस्था और पुलिस फोर्स ही नहीं, इस पूरी सोसाइटी को खतरा है सर। उनके खिलाफ जो भी गवाह और सबूत है वो सब आप मुझे सौंप दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको सजा मिले। यस सर। वीरप्पन, तुमसे मैंने एक ही सवाल पूछा और सुनते ही तुमने सर झुका लिया, कुछ गलत काम किया है क्या? चार महीने पहले के शांति मोर्चे में आप ही सिक्योरिटी संभाल रहे थे ना? हाँ सर। मोर्चा दंगे में कैसे बदल गया? वो मैं नहीं जानता सर। आप जानते हैं? सच में नहीं जानता सर, उसकी रिपोर्ट मैंने कमिश्नर के पास पहुंचा दी थी सर। मैं सही रिपोर्ट मांग रहा हूँ सर। वही तो सही रिपोर्ट है। सर, सही रिपोर्ट के साथ मुलाकात करते हैं। दंगा 4 महीने पहले हुआ था, मरे हुए 30 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑलरेडी सरकार को भेजी जा चुकी है, इतने दिनों बाद रिपोर्ट मांगेंगे तो कैसे चलेगा? 27 लोगों की रिपोर्ट सही है, लेकिन उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिपोर्ट क्या सही है? दंगे के 4 घंटा पहले ही उनकी मौत हो गई थी, ऐसे हमारे डिपार्टमेंट को पूरा पूरा शक है। सर, आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी सरकारी ऑफिसर हूँ, मेरी रिपोर्ट गलत नहीं है। आपकी बातचीत से लगता है वो सही नहीं है। डॉक्टर, ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए किसी ने धमकी दी थी क्या? जी नहीं, धमकी तो आप मुझे दे रहे हैं, मेरी रिपोर्ट एकदम सही है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और लेटर गवर्नमेंट को भी भेज दिया है। सर, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, यू मे गो नाउ। अन्याय से अगर आप जैसे ईमानदार ऑफिसर डर गए तो लोगों का क्या होगा सर?
अगर ये इंक्वायरी नहीं हुई तो एक अकेले इंसान से सरकार डर गई, लोग ऐसा कहेंगे। नहीं सर, प्लीज रिजाइन मत कीजिए। परम गुरु, बड़ी मुश्किल से उस हैवान से अपने बच्चों को बचा कर लाई हूँ, आप इनका मन बदलने की कोशिश मत करना। बात सुनिए, आपके पति ही उस जयप्रकाश को कानून के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। उसके पहले ये जान लो कि उसने मेरे परिवार की क्या हालत कर दी थी। 13th floor, तू मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाएगा हा? तो ये सुन के मेरी फैमिली डर के कांप रही है। तो तेरी फैमिली को भी डर के कांपना होगा ना। सुन, तू सोचता है कि मैं एक मामूली आदमी हूँ, आपको मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, बांधूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, शूट नहीं करूंगा। लेकिन इसे इस बच्ची को, उसे इसमें से किसी एक को यहाँ से कूदना होगा। कूदो 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 कूदो। क्या डर गए क्या? हमें भी डर लगता है। आपको भी डरना होगा। मेरे आदमी को कहो वो एक एक को एक एक करके फेंक देंगे। तुम्हें मुझसे परेशानी है ना, तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो, इनको कुछ मत करो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दादा आप मत कूदना, मैं कूद रहा हूँ, मेरे बच्चे। कूदो ना। ये आज के बाद आपके मामले में नहीं पड़ेंगे, ने छोड़ दी। आप लोग बाहर से आए हैं, ये मेरी जगह है। अगर फिर से कमीशन बिठाने की बात की तो सबको पकड़ के काट के फेंक दूंगा। गुरु, तू पुलिस वाला क्यों बनना चाहता था? बुरे लोगों से अच्छे लोगों को बचाने के लिए ही ना। जब इंक्वायरी कमीशन ने बुलाया तो वो डॉक्टर, पुलिस और वो जज क्यों नहीं आए? उस गुंडे से डर कर ही ना। पहले इस डर को दूर करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक नई क्रांति होगी, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसमें, तब तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हार मानकर बिल्कुल नहीं बैठोगे। जिस दिन इस देश में अफसर ईमानदारी और हिम्मत से काम करने लगेंगे, सही मायने में उसी दिन हमारा देश आजाद होगा। और ये मेरा बेटा करके दिखाएगा, दिखाएगा। ये तुम्हें करना होगा। Hey!
पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आइए गुरु। हेलो हेलो मेरे खिलाफ कमीशन बिठाएगा? डॉक्टर्स जजेस पुलिस वो लोग तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो है डर, मेरे नाम का डर। वो डर तुझ में भी आएगा। एए! नौकरी की वजह से ही पापा को खो दिया, तो मैं खोना नहीं चाहती। ये नौकरी छोड़ दो, वर्दी छोड़ दो, इन सब झमेलों को छोड़ दो सब। परम गुरु इस मंत्र को मेरे साथ साथ दोहराइए। नहीं, अपने पिता का इस तरह क्रियाक्रम करने का कोई अर्थ नहीं। परम गुरु मेरे पापा के अंतिम संस्कार के लिए तमिलनाडु के सभी शहरों से इतने अफसर यहां आएंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सरकारी अफसर सही रहेंगे तो ही देश के लोग चैन से जी सकेंगे, ऐसा मेरे पापा मानते थे। लेकिन सरकारी अफसरों में 99% लोग कैसे पेश आते हैं? हाँ, राशन की दुकान में कौन आते हैं? कौन बैंक के लॉकर में पैसे डाल के रखने वाले आते हैं? हाँ, नहीं सर, मजदूरी करके रोज पेट पालने के लिए मेहनत करने वाले, उनके चावल में, गेहूं में और घासलेट में हम लोग हेरा फेरी करते हैं। क्या हमें इस बात की तनख्वाह मिलती है सर? बोलिए सर। एक गरीब बीमार हो जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है, उससे भी 500,000 की मांग कर लेते हैं, तो वो कहां से लाएगा? पैसा मिलेगा तो जान बचाएंगे, ऐसा कहते हैं। और अगर वो मर जाता है तो बॉडी लौटाने के लिए पैसे मांगते हैं। क्या इसलिए सरकार हमें तनख्वाह देती है? बोलिए। सड़क छाप गुंडे और क्रिमिनल अगर पुलिस स्टेशन आते हैं तो हम उन्हें इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बुलाते हैं, मान मर्यादा के साथ कोल्ड ड्रिंक पिलाकर कुर्सी पर बिठाते हैं। इसकी जगह अगर कोई गरीब न्याय मांगने आए तो हम उसके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या इन सब के लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है? बोलिए सर, बोलिए।
बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक सब जगह भ्रष्टाचार। पूछने पर नेताओं को जिम्मेदार ठहराकर हम बच जाते हैं। गलती करने वाले नेताओं को हम 5 साल में एक बार बदल सकते हैं, लेकिन एक बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया तो जब तक नौकरी रहेगी पहली तारीख को तनख्वाह, रिटायर होने के बाद पेंशन, और अगर मर गए तो हमारे वारिसों को नौकरी, ये सब देकर हमें जिंदगी देते हैं। हमें लोगों को भगवान मानने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इंसान तो मान ही सकते हैं। जब हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो हमारी लड़ाई में हमें सपोर्ट करेंगे? आजादी दिलाने का वादा जब महात्मा गांधी ने किया था तो क्या लोगों ने उनका साथ नहीं दिया? उसी तरह लोगों के लिए काम करेंगे ये विश्वास दिलाना होगा। उसके बाद अगर हमें कुछ हुआ तो वो लोग संभाल लेंगे। मेरे पापा को मारने वालों से बदला लेकर मेरे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लोगों के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से ये शब्द कह दें, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मिस्टर परम गुरु, फौरन उस इंक्वायरी कमीशन को बिठाने का काम शुरू कर दीजिए। गलती करने वाला चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, मैं उसे कानून के सामने खड़ा करके सजा दिलवाऊंगा। सॉरी सर, अगर मेरी जान भी ले लेंगे तो भी मैं क्रिमिनल्स और गुंडों को सपोर्ट नहीं करूंगा। ये सच है सर। सर, मैं मानता हूं मैंने पोस्टमार्टम की गलत रिपोर्ट दी थी, लेकिन अब सही रिपोर्ट मैं कमीशन को देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पापा की इच्छा जरूर पूरी होगी, हम सब साथ देंगे। यू आर रियली ग्रेट। वो परम गुरु सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो हम सब के लिए लड़ रहा है। और तुम चाहती हो कि मैं उसे सपोर्ट नहीं करके उसकी जगह मैं जयप्रकाश जैसे गुंडे से डर कर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लूं? अरे ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेगा? हम सबको मार डालेगा, बस इतना ही ना। हम लोग एक अच्छे काम के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे। सर, उस आदमी की चिंता तुम छोड़ दो गुरु, मैं उससे निपट लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो सारे नेताओं को ढूंढते हुए ऑफिसर लोग आते थे, अब आलम ऐसा है कि हमको नेता होकर भी ऑफिसर लोगों को ढूंढना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सर, बैठिए सर। अरे बैठने नहीं आया हूँ। तुमने हमारे आदमियों का वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों किया? बात कहा है भाई, हाँ वाटर कहा है मैटर? पीने का पानी सप्लाई करने के बदले गटर का पानी सप्लाई किया है आपने। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि गरीबों की बस्ती में हैजा फैल रहा है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। सिर्फ मैं ही नहीं, आगे से इस पोजीशन पर जो भी ऑफिसर आएगा वो यही एक्शन लेगा, और अगर आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, दैट्स ऑल। हैं, 5 लाख वोटर्स को जेब में रखकर घूमता हूं मैं? हमसे टकराओगे तो जानते हो क्या होगा। सर, असिस्टेंट कमिश्नर परम गुरु को फोन करो। पहले सही किया है सर। अरे नाम तो कुछ सुना लगता है। क्या है? आपके बेटे को कोर्ट ले जाने के बहाने ले जाकर कचरे के डिब्बे में मार मार कर डाला था। वही अफसर है साहब। क्या है, मुझ में मार सहने की ताकत नहीं है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, चलिए। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं वापस करोगे ना? देख लूंगा हम तुमको। अरेस्ट कर लो। थैंक यू सर।
एक महीने की तनख्वाह पाने के लिए जान देनी पड़ेगी। बोलिए अब ये किसके लिए मार खा रहे थे? हाँ आपके लिए ना सर। अब रहने दीजिए ना। आप चुप रहिए सर। अगर ये गलत ऑफिसर होते तो लोगों के लिए मार नहीं खाते। जब ये लोगों के लिए मन से काम करते हैं तो एटलीस्ट इन्हें बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। किसने धमकाया सर आपको? हमको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, आने दो। पापा उस परम गुरु के बारे में तो आप जानते ही है ना, बहुत ही कड़क आदमी है। हम उसके साथ कोई नाटक नहीं कर सकते। उसके पैर पड़ के माफी मांग लो तभी जान बचेगी, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। छोटे साहब अगर आपको शर्म आ रही है तो हम आपके बदले में उनके पैर पकड़ कर माफी मांग लेते हैं। जाओ और जाकर बाहर खड़ा रहकर तमाशा देखना कि कौन किसके पैर पड़ता है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे परम गुरु हमको अरेस्ट करने आया है, तू आओ बैठो। उस प्रकाश का ये राइट हैंड है सर। क्या बात है, कितनी अकड़ है तुम्हें। अभी अब बताता हूँ कि हम कौन हूँ। नीचे देखा ना, स्टेट के सारे प्रेस वालों को हमने बुलाया है, सब नीचे ही खड़े हैं। अब देखो हम अपना कमीज फाड़ लूंगा और कहूंगा कि तूने फाड़ा, ब्लड में खुद ही लगा लूंगा और कहूंगा कि तूने मारा। जब तुम हमको बाहर ले जाओगे ना तो लंगड़ा लंगड़ा के चलूंगा, कहूंगा कि पैर तोड़ दिया तूने। और जानते हो कल फिर क्या होगा, पूरे स्टेट में ये खबर छप जाएगी। छोटे देख लिया ना अपने पापा की परफॉर्मेंस, आईपीएस हमेशा नेताओं के नीचे ही रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। छोटे चलो नीचे देखते हैं प्रेस वाले आए या नहीं, चलो। है 5 लाख वोटर्स को जेब में लेकर घूमता हूँ मैं? हमारे बेटे को कचरा में खड़ा किया था ना, हम तुमको देखो कहाँ खड़ा करता हूँ। साहब आपने खुद ही अपनी कमीज फाड़ ली। हाँ और कहा मैंने फाड़ी। आपने खुद ही मुंह में खून लगा लिया। हाँ हाँ कहा मैंने मारा। हाँ आप लंगड़ा के आएंगे जैसे मैंने मारा हो। लेकिन कितना भी आप नाटक कर लें ओरिजिनल तो नहीं लगेगा ना सर। आपके 5 लाख वोटर्स यकीन करें इतना ओरिजिनल तो कर ही देते हैं। अरे क्या करते हो? अरे अरे छोड़ो भाई। अरे 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 छोटे देखा अपने पापा की एक्टिंग कितनी अच्छी है। इतने सालों से एक्टिंग कर करके एक्टिंग तो इनके खून में मिल गई है, सुपर। अरे बाप रे बहुत मारा है इसने भाई। फोटो निकालने देंगे तब ना, वहां देखो। अरे देखो मीडिया वालों कितना मारा हमको, हमारी टांग तोड़ दी इसने। अरे बाप रे। अरे अरे देखो देखो कल छाप देना। सब कुछ सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आज के पेपर में और टीवी में हमारे साहब के पावर के बारे में खुलकर बताना, मिस्टेक मत करना। मंत्री जी है कहाँ? क्या साहब है कहाँ? अरे अभी तो उन्हें जीप में डाल के लेके गया, फोटो नहीं खींचा क्या? नहीं तो नहीं, मतलब नहीं लिया। इसका मतलब साहब को किडनैप करके ले गया। भाग जाइए। अरे काहे भाग जाऊं भाई। अरे देखो हम डेली पेपर पढ़ता हूँ और उसमें पढ़ता हूँ कि कैदी को भागने के लिए कहा जाता है और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। हमको जाने दो भाई, हमको चाहो तो बहुत मारो पीटो जेल में डाल दो, लेकिन हमको भागने को मत कहो भाई, भागने को मत कहो। और हाँ पॉकेट में 5 लाख वोट। अरे नहीं नहीं पॉकेट तो फट गया, उसमें एक भी नहीं है, कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। अरे नहीं 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 ऐसा मत करना भैया, ऐसा मत करना। इन्हें स्टेशन ले जाके प्रकाश वाली फाइल में साइन ले लो। अरे फाइल काहे के लिए, यहीं पर एको सादा पेपर दे दो, हम यहीं पर सिग्नेचर कर देता हूं भाई। जस्टिस वीरेंद्र सिंह द्वारा की गई इंक्वायरी कमीशन के बिना पर हम प्रकाश को फौरन गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा गुंडा है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने हमें परमिशन दी है मिस्टर परम गुरु। यस सर। प्रकाश को गिरफ्तार करना ही आपकी ड्यूटी नहीं है, उस समाजद्रोही से वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इनका परिवार सही सलामत दिल्ली पहुंचे इस बात की भी जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की ही है। यस सर आई विल डू माय बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे खिलाफ फायरिंग ऑर्डर आए वो परम गुरु। hey!
परम गुरु, नहीं छोड़ूंगा तुझे, अब नहीं बचेगा तू। मेरी फैमिली को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। हे, उस परम गुरु को सपोर्ट करने वाले जज की फैमिली में से एक भी नहीं बचना चाहिए। मार डालो, काट डालो, उनको मौत दे दो, अब देखेगा वो परम गुरु। जाओ, सबको इकट्ठा करो, जाओ जाओ। सर थैंक यू परम, थैंक यू सर। चलिए सर, चलिए। Thank you.
ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? एक ईमानदार अफसर के परिवार वालों को जानकर खतरा है। ये बात सारे शहर में आग की तरह फैल गई, इसलिए हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं। इनका पीछा करने वाले गुंडों को हमने ही मारा है, और आज के बाद से लोगों की भलाई सोचने वाले ईमानदार अफसरों पर अगर किसी तरह की भी मुसीबत आई तो सुरक्षा हम देंगे। सुरक्षा हम देंगे, 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 सुरक्षा हम देंगे। भलाई के लिए अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता उन पर जान न्योछावर कर देगी।